और मेरे में इतनी पावर है कि मैं आपको सिखा सकता हूं,
और आप लोगों में इतनी पावर होनी चाहिए आप सीख के जाए। दिस इज इम्पोर्टेंट। देखा मैं आया हूँ, मैं एक एक चीज में इन्वॉल्व हूँ, मैं यहाँ बैठा नहीं हूँ आके। मैं चाहता हूँ आप मेरा काम देखो सब लोग और सीख के जाओ। आपकी सालों के अंदर जो सर्टिफिकेट लगा होता है, इट हैज नो मीनिंग। द मीनिंग इज हार्ट। क्लाइंट आपने कुछ काम किया, क्लाइंट दोबारा आए। टीवी एड, नो होर्डिंग। सो द मार्केटिंग इज हार्ट, क्योंकि हाथों की पावर। कल को डिस्कस करेंगे हमारे हाथों में कितनी पावर होनी चाहिए। लेट्स डिस्कस दिस। स्टेटिंग, या जिसको हम लोग कहते हैं डी बॉन्डिंग, जिसको हम लोग कहते हैं रिलैक्सिंग, जिसको हम लोग कहते हैं बॉन्डिंग, जिसको हम लोग कहते हैं स्मूथनिंग। लो लो, कैन यू इमेजिन स्टेटिंग क्या होता है? जब मैं कहता हूं स्टेटिंग, इट मीन्स 75% स्ट्रेट हेयर। जब मैं कहता हूं स्ट्रेटनिंग, इसका मतलब 75% स्ट्रेट हेयर। जब मैं कहता हूं स्ट्रेटनिंग, इसका मतलब इसमें लगने वाले हैं 2 घंटे। जब मैं कहता हूं स्ट्रेटनिंग, अगर 2 घंटा लग रहा है, चार्ज करो कम से कम 2,000 रुपए। जब मैं कहता हूं स्ट्रेटनिंग, इसका मतलब मैंने बालों को सीधा किया सिर्फ केमिकल लगा के, जिसकी वजह से मेरे बाल ध्यान से, मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं। तो प्लीज शोर मत मचाना मेरे सेमिनार के अंदर, क्योंकि मेरे सेमिनार के अंदर मैं कुछ बोलता हूं और यहां कोई नहीं बोलता है। If I come from India, बालों को सीधा किया ओनली केमिकल लगा के, मेरे बाल कम सीधे हुए, मेरे बाल में कम टाइम लगा, मैंने कम चार्ज किया। ये हमारा चलता था आज से 20 साल पहले, जिसको हम लोग कहते थे स्ट्रेटनिंग। फिर एक नया वर्ड निकल के आता है जिसको हमने बोला बॉन्डिंग। बॉन्डिंग क्या है? जब मैंने बोला बॉन्डिंग, इट मींस 95% स्ट्रेट हेयर। इट मींस कम से कम 4 घंटे। इट मींस कम से कम 4,000 रुपए। इट मींस मैंने बालों को सीधा किया केमिकल लगा के, प्लस इसका मतलब 2 प्रोसीजर, जिसकी वजह से टाइम ज्यादा लगा, अच्छा रिजल्ट आया, ज्यादा चार्ज किया। तो स्ट्रेटनिंग का मतलब होता है ओनली केमिकल, रीबॉन्डिंग का मतलब होता है केमिकल प्लस हीट। स्ट्रेटनिंग सीखने का मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, उसकी साइंस क्या है। एक और नया वर्ड निकल के आता है रिलैक्सिंग। What is relaxing? जब मैं बोलता हूं रिलैक्सिंग, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम। सो रिलैक्सिंग एंड बॉन्डिंग दोनों सेम। एक और नया वर्ड निकल के आया जिसका नाम था स्मूथनिंग। तो जब मैंने स्मूथनिंग बोला, ये भी तो सेम है, ये भी तो सेम है। सो इसका मतलब स्मूथनिंग, बॉन्डिंग, रिलैक्सिंग ऑल आर सेम। लेकिन इसका जो टेक्निकल नाम है
वो है थर्मल स्ट्रेटनिंग. सो स्मूथनिंग एक कॉस्मेटिक कंपनी का नाम, बॉन्डिंग एक स्ट्रेटनिंग कंपनी का नाम, रिलैक्सिंग एक स्ट्रेटनिंग कंपनी का नाम, बट टेक्निकली इट्स कॉल्ड थर्मल स्ट्रेटनिंग. सो हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं आज, थर्मल स्ट्रेटनिंग का बेस क्या है और उसके बेसिस के ऊपर हम उसमें कैसी वेरिएशन लेके आने वाले. ओके, क्लाइंट आता है मेरे पास में, मेरे पास में क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे कराना है स्ट्रेटनिंग. अब इसका प्रोसीजर क्या है, आप कोई भी कंपनी यूज करो, प्रोसीजर मेरा फॉलो करो, आपका एक बाल नहीं टूटेगा, आपके बाल कभी डैमेज नहीं होंगे, आपके बाल कभी रफ नहीं होंगे, आपके बाल दोबारा कड़े नहीं होंगे. इसका मतलब आप लोगों को साइंस सीखनी है मेरे सिस्टम की, क्रीम कुछ भी यूज करना. इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, लेट्स वॉच दिस. नंबर वन पॉइंट, ये आप लोग लिख सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, है अदरवाइज इसकी सीरीज मार्केट में मिलती है मेरी, आई हैव अराउंड 60 वॉल्यूम इन द मार्केट, यू कैन बाय दोस. सबसे पहला पॉइंट, कंसल्टेशन, यू मस्ट कंसल्ट विद अ क्लाइंट. जब मैं कहता हूं कंसल्टेशन, सबसे पहले बालों का टेक्सचर, नंबर टू बालों की कंडीशन. जब मैंने कंडीशन बोला, हमारे बाल का डैमेज है, हमारे बाल क्या ड्राई है, हमारे बालों में हैना लगी हुई है, इस कॉल्ड कंडीशन. एंड नंबर थ्री पॉइंट, ये पीछे राजेश, 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 भैया ये कम मत बजाओ प्लीज, है थोड़ा शांति चाहिए मुझे. नंबर थ्री पॉइंट, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, क्लाइंट को क्या चाहिए. वी आर लाइक ए डॉक्टर, वी आर नॉट हेयरड्रेसर, वी आर लाइक ए डॉक्टर. और जब हम लोग कहते हैं बालों की साइंस, वी हैव टू टॉक लाइक ए डॉक्टर. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कंसल्टेशन, बालों का टेक्सचर, बालों की कंडीशन, क्लाइंट नीड. क्या हुआ आपको सीखने मिली, आप इधर आ जाओ. हेलो हेलो, हमने कंसल्ट किया, हमने कंसल्ट किया. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बालों को गीला करेंगे, ये सुन लीजिए प्लीज, है द मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड बालों पे करेंगे प्री कंडीशनिंग, दिस इज न्यू फॉर यू. बाल डैमेज है, नो इश्यू. बाल रफ है, नो इश्यू. बाल टूट रहे हैं, नो इश्यू, हमें करना आना चाहिए. बालों पे हैना लगी हुई है, नो इश्यू, हमें करना आना चाहिए. तो बालों को पहले गीला किया, पानी डाला, इस पे लगाएंगे प्री कंडीशनर. नाउ व्हाट इज प्री कंडीशनर, व्हाट इज प्री कंडीशनर, दिस इज अ न्यू वर्ड, है आई थिंक यू मस्ट नो दिस. इस सेंचुरी का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन बालों की हेल्थ के लिए, प्री कंडीशनर, नो कंडीशनर. तो कंडीशनर, प्री कंडीशनर आपको ज्यादा लगाना चाहिए, कंडीशनर कम लगाना चाहिए. उसके लिए आपको क्या यूज करेंगे, आपका जो कंडीशनर है उसको डाइल्यूट करो पानी के साथ और बालों पे लगाओ. दैट्स नंबर वन. नंबर टू, एनी ऑयल, आप कोई भी ऑयल ले लीजिए, बालों पे लगाओ. और आजकल नई चीज मार्केट में आ गई है प्री कंडीशनर के नाम से, आप उसको यूज करो. So if you are looking for healthy hair in Nepal, stop using conditioner. Convert as a pre-conditioner. And for chemical, because I've noticed one more thing in Nepal. Jitna baalon ka color Nepal mein hai, India mein bhi nahi hai. India mein bhi nahi hai. Matlab yahan ke hamare baal thode zyada dry baal hai. So we need conditioner, pre-conditioner badly hai. So pre-conditioner. Next point. नेक्स्ट पॉइंट, आप शैम्पू करेंगे.
समझिए आप लोग, तो शैंपू से पहले कंडीशनर लगाओ एंड दैट बिकम अ प्री कंडीशनर. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ हेल्दी हेयर, मतलब जब तक आप लोग जिंदा हैं आपके बाल होने चाहिए, इसको फॉलो करना, कंडीशनर को अवॉइड करके कन्वर्ट डायरेक्टली कंडीशनर. नेक्स्ट पॉइंट कौन खास रहा है ये? हेलो, कौन खास रहा है? मर जाओगे, खांसने का आदमी मर जाता है और एज का पता चलता है कि आदमी कितना बूढ़ा है कितना यंग है. जो यंग खांसी होती है बच्चे की वैसे होती है. हीट नंबर वन, हीट नंबर वन एंड व्हाट हीट? ग्लो ड्राई, नो स्टेपिंग रॉड. और व्हाट हीट? 100 डिग्री के आसपास, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा. प्लीज लेट्स फॉलो अ प्रोसीजर. हीट नंबर वन के बाद नेक्स्ट पॉइंट एप्लीकेशन. जब मैं स्ट्रेटनिंग लगाता हूं बालों के ऊपर, इसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन. इन माई एप्लीकेशन नो बोर्ड. हम लोग बोर्ड यूज नहीं करेंगे. हम लोग क्यों बोर्ड यूज करते हैं स्ट्रेटनिंग करते हुए? बात सीधा हो जाए. ओके, हम लोग क्यों यूज करते हैं बोर्ड यूज करते हुए स्ट्रेटनिंग में? इन्होंने बोला बात सीधा हो जाए. और क्या रीजन हो सकता है? ओके, मैं आपको उसका आंसर देता हूँ. आप आओ प्लीज, आप आ जाओ. शर्माते रहो यार, और तो समझ शर्माया करो. जब हम लोग स्ट्रेटनिंग करते हैं, हम सबका मुंह बिल्कुल सीधा क्लाइंट का, और हमारी बॉडी में कर्व आ गया. Can you see this? तो इस कर्व को खत्म करने के लिए हमें बोर्ड लगाते हैं. लेकिन अगर मैं कर्व निकाल दूं, why board? तो जब भी स्ट्रेटनिंग करोगे क्लाइंट की मुंडी आगे, याद रखना. जब भी स्ट्रेटनिंग करोगे क्लाइंट की मुंडी साइड के ऊपर, क्लाइंट की मुंडी साइड के ऊपर. कभी ऐसे काम मत करो. अगर ऐसे काम करोगे स्ट्रेटनिंग कभी अच्छी नहीं आएगी. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुंडी आगे, इसको कंट्रोल करेंगे. अगर ये कंट्रोल हो गया क्लाइंट कंट्रोल. दिस इज इंपॉर्टेंट. हमें किसी ने बोल दिया बोर्ड लगाओ, लेकिन बोर्ड क्यों लगाते हैं? बोर्ड का लगाने का हमारा रिजल्ट में कोई कुछ नहीं आता, ओनली बिकॉज ऑफ दिस बोर्ड. तो प्लीज इसको निकाल देते हैं. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन. आप सुनते हैं एप्लीकेशन का प्लस पॉइंट. नो बोर्ड, नो बोर्ड, नो टेलको, नो टेलको. इन माई स्ट्रेटनिंग नो टेलको. बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मुंडी आगे. उसको हम लोग टेक्निकली क्या बोलेंगे? टिल्टेड हेड, टिल्टेड हेड. और हम लोग कौन सा एंगल यूज करेंगे? जीरो डिग्री एंगल. कितना टाइम लगेगा? ओनली 15 मिनट्स. आई गिव यू अ टाइम, मतलब 2 घंटे के अंदर क्लाइंट वापिस चौक निकल जाए. यू नो, वी हैव टू मेक मनी, एंड टू मेक मनी वी नीड स्पीड. एंड व्हाई स्पीड? थ्रू अ सिस्टम. So, this is called no board, no telecom, tilted head and zero degree angle. जब मैं क्रीम लगा के छोड़ता हूं बालों के ऊपर, इसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग टाइम. इसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग टाइम. आई थिंक काठमांडू का प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा ज्यादा है. पता है क्यों? यहां पसीना बहुत है, मॉइस्चर बहुत है, मॉइस्चर बहुत है. तो प्रोसेसिंग टाइम, और वो कितना टाइम है हमारा? 15 से लेके 25 मिनट्स. ठीक है, मैं आपको सब बताऊंगा कि हम लोग कैसे इसको चेक करने वाले हैं. नेक्स्ट पॉइंट, हमारी थर्मल स्ट्रेटनिंग तैयार है या नहीं? आर वी रेडी? इसको मैंने नाम दिया है एश शेप चेकिंग, एश शेप चेकिंग, एश शेप चेकिंग है. हमारी स्ट्रेटनिंग तैयार हो गई. नेक्स्ट पॉइंट, रिंस. हम बालों को रिंस करेंगे.
15 मिनट के लिए है ना, ओनली 15 मिनट्स. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी गर्म पानी मत यूज करो. सो नो हॉट वाटर. हम लोग यूज करेंगे टैप वाटर, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा. रिंस किया या पूछो प्लीज, अगर कोई डाउट है मुझसे पूछो प्लीज. बट आई थिंक आई एम गोइंग वेरी स्लो एंड आई एम गोइंग वेरी सिस्टमाइज्ड है, मतलब हम लोग कोई पॉइंट मिस करने वाले नहीं. इसी वजह से आप देखना कि आप मेरे सेमिनार के अंदर क्वेश्चन बहुत नहीं ज्यादा नहीं होते. इट इज वेरी स्लो, वेरी सिस्टमाइज्ड आई टीच. रिंस करने के बाद हमने रिंस किया. भैया ये दिखाया क्या लड़कियों को दिखाने में लगा, ये दिखा. एक तो कैमरे वाले को शौक होता है, जहां कोई हसीन लड़की कैमरा खराब. प्लीज ओनली माई वर्क. नेक्स्ट पॉइंट, रिंस करने के बाद अगेन टॉवल ड्राई, अगेन टॉवल ड्राई. नेक्स्ट पॉइंट ये सुन लो प्लीज. हाँ हीट नंबर टू, हीट नंबर टू एंड दिस टाइम स्ट्रेटनिंग रॉड, नो ब्लो ड्राई. कितना गर्म होना चाहिए? 100 डिग्री, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा. नेक्स्ट पॉइंट, हीट नंबर टू के बाद, हीट नंबर टू के बाद हम करते हैं इसको न्यूट्रलाइज, हम इसको बैलेंस करेंगे. कितने टाइम के लिए? 15 मिनट. उसके बाद रिंस. कितना टाइम? 5 to 7 minutes. कौन सा पानी? टैप वाटर. कभी भूल के भी गर्म पानी मत यूज करना, नहीं तो आपके बालों में डैंड्रफ हो जाएगी. और जैसे डैंड्रफ होगा बाल टूटेगा, बाल ग्रे होगा. आई नो यहाँ बहुत ठंड होता है, मैं कहता हूं यूज करो गुनगुना पानी है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें बालों को काटना है. क्लाइंट इतना शोर मचाए कि मुझे बाल नहीं कटवाने, काटना जरूरी है. और कौन सा एंगल? 0 degree, 1 length और 45 फैदर, नो स्टेप कट. नेक्स्ट पॉइंट, हम इसको करेंगे फिनिश, मतलब ब्लोड्राई करो, नेचुरल छोड़ दो, इसको हम लोग कहते हैं फिनिश. तो ये मेरा सिस्टम है जिसको हम कहते हैं थर्मल स्ट्रेटनिंग. कोई भी क्रीम यूज कर लेना, सिस्टम मेरा यूज कर. लेकिन आज हम लोग सीखने एक नई चीज जिसका नाम है परमानेंट ब्लो ड्राई, मतलब केमिकल लगा के बालों को ब्लो ड्राई करना. आई थिंक स्ट्रेटनिंग इज गॉन, इज पास्ट. लोग बोर हो गए सेम लुक से, उनको चेंज चाहिए. और वो चेंज क्या है? परमानेंट ब्लो ड्राई. अब परमानेंट ब्लो ड्राई है क्या? अगर आप लोगों को थर्मल स्ट्रेटनिंग आता है, आपको ब्लो ड्राई करना है. इसका मतलब इसको हम करते हैं हमेशा कर्ली बालों के ऊपर, नॉर्मल स्टेज है. अब किसने कराना परमानेंट ब्लो ड्राई? मुझे कर्ली बाल चाहिए, सुन लो, मुझे कर्ली बाल चाहिए, मुझे डैमेज बाल चाहिए, मुझे डैमेज बाल चाहिए. ओके, व्हाट वी डू, हम लोग लेते हैं 2 या 3 मॉडल, विल डिस्कस किसके बालों पे करेंगे और क्यों करेंगे. ओके, आई वांट 3 मॉडल, आई वांट 3 मॉडल ऑफ बट आई वांट कर्ली हेयर, आई वांट कर्ली हेयर, आई वांट दिस मच हेयर, आई वांट दिस मच हेयर. अबाउट आई वांट कर्ली हेयर, यू डोंट नीड इट. आई वांट कर्ली हेयर, आई वांट कर्ली हेयर, आई वांट कर्ली हेयर, आई वांट कर्ली हेयर, आई वांट. Okay, we have 2-3 model. You don't need. Okay, हमारे पास 3-4 model हैं. You don't need. हमारे पास 3-4 model हैं. You don't need. ये लंबे बाल चाहिए, कर्ली बाल चाहिए. हमारे पास अच्छे model. कौन से बालों पे करेंगे? Discuss करते हैं. मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें मुश्किल बालों पे काम करना है, हमें कोई आसान बालों पे काम नहीं करना है. ओके, नरेंद्र किसके बालों पर करेंगे, क्यों करेंगे बताओ प्लीज. हमें मुश्किल बाल चाहिए प्लीज, है? आई वॉन्ट वेरी वेरी
difficult work. I want tough air. I want mic, one extra mic, please. इनके बालों में कर सकते हैं थोड़ा जोर से बोलो इनके बालों में हम लोग क्यों कर सकते हैं बालों में वेव है लेकिन लेंथ थोड़ी छोटी है ठीक है इनके बालों में वेव है लेंथ थोड़ी छोटी है ओके बालों में भी कर सकते हैं हां हां एंड में वेव है अच्छा ओके और कौन है और में से कर सकते और कौन है और कौन है हमें मुश्किल क्लाइंट चाहिए हमें बहुत मुश्किल क्लाइंट चाहिए इनके बालों में कलर भी इनके बालों में इधर देखें तो भी कलर है और इनके बालों में देखें तो भी ओके मुझे लगता है कि हमें इनके बालों में करना चाहिए व्हाई बिकॉज बाल लंबे ज्यादा अच्छा नजर आएगा बाकी लेस वर्क विद हर ओके विल वर्क आप सब पीछे आ जाओ बाकी आपका नाम क्या है हैं सुजीता ओके वी हैव अ नाइस गुड लुकिंग मॉडल उसका नाम है सुजीता और आप देखना कि हमारा जो मॉडल है कैसे चेंज होगा कंप्लीट चेंज ओवर हो जाएगा कंप्लीट चेंज ओवर होगा इसको हमने नाम दिया है इस जॉब को नाम दिया है परमानेंट ब्लो ड्रायर या हमने इसको नाम दिया है जैपनीज ब्लो ड्रायर इज द सेम थिंग इज द सेम थिंग इसका प्रोसीजर अगर आप लोगों के स्ट्रेटनिंग नोट्स हैं उसको फॉलो करते हैं तभी करेंगे हमारा नोट्स क्या क्या था पहला स्ट्रेटनिंग का नोट्स क्या था पहले इतना पढ़े कोई भी पढ़े प्लीज सबसे पहला कंसल्टेशन नेक्स्ट पॉइंट क्या है नेक्स्ट पॉइंट क्या था बालों को गीला करके बालों को गीला किया नेक्स्ट पॉइंट क्या है बालों पे करेंगे प्री कंडीशनिंग आपको डिफरेंस पता चलेगा खुद ही नेक्स्ट पॉइंट क्या था हम शैम्पू करेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है टॉवल ड्राई नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहां चेंज हो जाएगा सुनो प्लीज है यहां हम लोग करेंगे कट तो इसका मतलब स्ट्रेटनिंग का कट बाद में इसका कट पहले और कौन सा कट करेंगे 90 डिग्री स्टेप कट तो स्ट्रेटनिंग के अंदर हमारा कट कौन सा था वन लेंथ फेदर पर इसके लिए हमारा कट कौन सा है स्टेप कट तो हम लोग कर रहे हैं स्टेप कट पहले ये डेमो नहीं है डेमो में आपको बात करने का विल डू अ वेरी क्विक कट विल डू अ वेरी वेरी क्विक कट सुजीता एनी लास्ट विश हेलो कोई लास्ट विश है तुम्हारी कहीं नहीं मुझे सिर्फ यंग बनना है कोई लास्ट विश हेलो सुजीता माय डियर सुजीता की पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी नाउ एंड बाद में देखना कितना बड़ा डिफरेंस आने वाला है लेंथ छोटा नहीं करेंगे रिकॉर्डिंग मत करो ना यार देखो ना मैंने पहले बोला कि मुझे अपनी टीचिंग का भरोसा है आप लोग सीखने वाले बनो यार प्लीज है हम लोग कट कर रहे हैं जल्दी से बट दिस इज नॉट अ डेमो दिस इज नॉट अ डेमो डेमो मैं आपको बाद में देने वाला हूं हमें लेंथ छोटा नहीं करना है हमें लेंथ छोटा नहीं करना है बिल्कुल भी आपको खुद पता चलेगा आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जो हेयर ड्रेसिंग है 50 साल का सर्कल है 15-20 साल सीधे बाल 15-20 साल सेमी कर्ली हेयर 15-20 साल कर्ली हेयर अब ये क्या है सेमी कर्ली तो अभी जो हमारा सीजन चल रहा है फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स इज गोइंग टू बी सेमी कर्ली हेयर ना ज्यादा कर्ली ना ज्यादा स्ट्रेट ये हमारा आंसर इसके लिए ब्लो ड्राई परमानेंट ब्लो ड्राई या जैपनीज ब्लो ड्राई जो भी आप नाम देना चाहते हैं बट मैं इसको बोलता हूं परमानेंट ब्लो ड्राई सुनीता हेलो नाम है लास्ट विश बोलना कुछ बोल देना प्लीज बोलने को तैयार ही नहीं है हमारा चल रहा है परमानेंट ब्लो ड्राई
इसके लिए हमें टेक्सचर चाहिए कर्ली बाल, इसके लिए हमें बालों को काटना स्टेप कट के अंदर, हमें इसके लिए लंबे बाल चाहिए, इसके लिए हमें कर्ली बाल चाहिए, इतने डैमेज बाल इतने अच्छे बाल कटने वाले हैं। हमारा चल रहा है परमानेंट ब्रो ड्राई, अगर आप लोगों को स्ट्रेटनिंग करना आ गया मेरे तरीके से आपको ये किया जाएगा, लेकिन दोनों का तरीका बिल्कुल सेम है, ओनली एंगल विल चेंज। सारे बिस्किट खा लिए, मेरे को छोड़ दो दीदी, मेरे लिए कुछ छोड़ दो दीदी। हमारा चल रहा है परमानेंट ब्रो ड्राई, हमारा चल रहा है कट। कट कौन सा है? 90 डिग्री स्टेप कट। तो इसका मतलब जो स्ट्रेटनिंग होती है उसका हमारा एंगल होता है 0 डिग्री और ब्रो ड्राई का हमारा एंगल होता है 90 डिग्री। दोनों में ये डिफरेंस है, दोनों में ये डिफरेंस है। कोई खास ना आना है लोग मर जाओगे, कोई नहीं हंसेगा। हमारा चल रहा है ब्रो ड्राई, परमानेंट ब्रो ड्राई, केमिकल ब्रो ड्राई या गैपिस ब्रो ड्राई चल रहा है लोगों का। और ये फ्यूचर है हेयरड्रेसिंग का, हेयरड्रेसिंग का फ्यूचर है ये। लोग थक गए हैं स्ट्रेटनिंग वाले बाल देख के, उनको कोई नई चीज चाहिए, वो ये है। माय टीचिंग इज स्टेप बाय स्टेप, मतलब कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं खुद सीखने वाला हूँ, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो विल गो स्टेप बाय स्टेप। मर जाएंगे ना, क्या होगा? एक बिस्किट ले लो, अच्छा वाला साफ सुथरा, पानी में डिप करके चेक कर लेना कि साफ सुथरा है नहीं। हमारा चल रहा है परमानेंट ब्रो ड्राई, ये लो हेलो। हमारा चल रहा है परमानेंट ब्रो ड्राई। हमारा चल रहा है परमानेंट ब्रो ड्राई, हमें बाल चाहिए कर्ली, हमें बाल चाहिए लंबे, हमारे बाल कटेंगे 90 डिग्री स्टेप कट के अंदर, हमारे बाल कटेंगे 90 डिग्री स्टेप कट के अंदर। अगर आप लोगों को स्ट्रेटनिंग करना आता है आपको ये करना आता है, बिकॉज दोनों का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, ओनली एंगल विल चेंज, ओनली कट विल चेंज। हमारा चल रहा है परमानेंट ब्रो ड्राई। देखो बाल काटने में कितना टाइम लगता है, 2 मिनट। अगर आप लोगों को सिस्टम आता है बाल काटने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। देखा कितने डैमेज बाल हैं बिकॉज ऑफ कलर, इतने ड्राई बाल हैं बिकॉज ऑफ कलर, और इसका जो ब्रोड्राई आएगा ना बहुत अच्छा नजर आएगा बिकॉज ऑफ कलर। आज किसी को कोई लंच नहीं मिलेगा, कोई लंच नहीं, और जिसने बिस्किट खाए उसको तो शाम को चाय भी नहीं मिलेगी, तो शाम को चाय भी नहीं मिलेगी। मैंने बिल्कुल नहीं खाया, अच्छा ठीक है, मतलब जिसने बहुत सारे बिस्किट खाए, सॉरी जिसने बहुत सारे बिस्किट खाए। हमारा चल रहा है परमानेंट ब्रो ड्राई, हम लोग कर रहे हैं 90 डिग्री स्टेप कट, हम लोग कर रहे हैं 90 डिग्री स्टेप कट, और कोई बोर्ड नहीं, कोई बोर्ड नहीं, कोई तेल कोम नहीं। हमारा चल रहा है ब्रो ड्राई, ओके कट हो गया, लेंथ कम नहीं की हम लोगों ने, बिल्कुल सेम लेंथ है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट शुरू होता है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट शुरू होता है आफ्टर कट, आफ्टर कट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के पॉइंट
कम्युनिकेशन के पॉइंट, नो टेक होम एप्लीकेशन के पॉइंट, हमारा स्टेटिंग का एंगल क्या था, जस्ट लीव योर नोट, हमारा एंगल, हमारा स्टेटिंग का एंगल क्या था, हमारा एंगल हो जाएगा फ्रॉम 45 डिग्री टू 90 डिग्री, हमारा और हमारे हमारे और क्या थे, नेक्स्ट स्टेप क्या था, टिल्टेड हेड, टिल्टेड हेड, लेट्स वॉच दिस, लेट्स वॉच दिस, एक एक तरह करें, लेट्स वॉच दिस, मैं चेक कर लिया, दिया फोर डायरेक्शन, ये तो इसका मतलब पीछे के बाल पीछे काटो या पीछे रोल करो, साइड के बाल साइड में रोल करो, साइड के बाल साइड में रोल करो, आगे वाले बाल आगे रोल करो, मतलब चार डायरेक्शन सिस्टम हमारे सेक्शन, थोड़ा क्लोज ले, थोड़ा एकदम करेगा बोर्ड को दलिया, बोर्ड को साइड में खींचो, बोर्ड को साइड में इधर इधर और जल्दी इधर इधर कर दे, पानी आपकी भाई हेलो आंटी को उधर, हम लोगों ने क्या किया, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ये कितना मोटा होना चाहिए ये सुनते हैं, जितना मुश्किल बाल इतना पतला, जितने कड़ी बाल इतना पतला, जितने डैमेज बाल इतना पतला, मतलब मेरा सेक्शन फ्रॉम आधा इंच टू वन इंच, बट ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, देखते जरा प्लीज है, अगर मुझे स्ट्रेटनिंग करनी होती, अगर मुझे स्ट्रेटनिंग करनी होती, आप नरेंद्र का हाथ देखो कैसे चलेगा, ये क्या कर रहा है, इसने बनाया फिंगर लाइक ए रॉड और खींचेगा, जितना प्रेशर इतने बाल सीधे, लेकिन हम लोग कर रहे हैं ब्लो ड्राई, इसका मतलब मेरा एंगल चेंज हो जाएगा, देखते हैं ध्यान से, मेरा एंगल बन जाएगा 45 टू 90 डिग्री, ओके, जब भी आप लोग ड्राई करते हैं क्या करते हैं, आप लोग जब भी आप लोग ड्राई करते हैं स्टेप में क्या करते हैं, आप पता क्या करते हैं, ऊपर के बालों को अंदर रोल किया और नीचे आउटलेट्स, इसलिए हम सेम करने जा रहे हैं, हम बालों को बाउंस देंगे, आउटलेट्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, लेट्स वॉच, भैया थोड़ा स्लो मोशन था, थोड़ा स्लो मोशन, हमारी स्किन, हमारी क्रीम कभी स्किन टच नहीं करेगी, थोड़ा जेब पे हमारी क्रीम स्कैल्प टच नहीं करेगी, लेट्स वॉच दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट प्लीज, है अगर आप लोग स्ट्रेटनिंग सीखना चाहते हैं ये सीखो, बस स्किन टच नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग स्किन के क्लोज जा रहे हैं, टच नहीं करेंगे, इसने एक रुक जाओ, इसने क्या किया, जो नीचे के बाल उसमें क्रीम भी लगाई, कैन यू सी दिस, इसने नीचे के बालों को पकड़ लिया है, हमें वहां क्रीम नहीं चाहिए, क्योंकि वो कर्ली बाल हैं, क्रीम नहीं लगी, जब मैं इसको नेचुरल छोड़ूंगा ना अपने आप आउटकस्ट आ जाएगा, समझ आया आप लोगों को, देखते हैं दोबारा, इसको हम लोग कहते हैं इमल्सिफिकेशन, इस वॉच दिस, इसको हम लोग कहते हैं इमल्सिफिकेशन, हम लोग कहते हैं इमल्सिफिकेशन, जस्ट वॉच दिस, जस्ट वॉच दिस, ये कुछ नहीं कर रहा है, बालों को पकड़ रहा है, बालों को पकड़ रहा है, ये बालों को पकड़ रहा है और बालों को पॉलिश कर रहा है, कोई बोर्ड नहीं है इसके अंदर,
Just watch this. देखा बालों को पॉलिश कर रहे हैं क्रीम लगा के, और जो नीचे के बाल हैं, एक मिनट उल्टा करके दिखाओ, जो नीचे के बाल हैं थोड़ा और उल्टा करके दिखाओ, जो नीचे के बाल और ऐसे से जो नीचे के बाल हैं, let's watch this, बिल्कुल क्रीम नहीं है, ये नेचुरल बाल छोड़ दिए, तो जब मैं इसको नेचुरल छोड़ूंगा ये अपने आप आउटकस में आ जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं परमानेंट लो ड्राई। अब किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि हमें इसको कितनी बारी रगड़ना है, कितनी बारी पॉलिश करना है। सुन लो, जब तक आप लोगों का व्हाइट क्रीम तेल ना बन जाए, जब तक आप लोगों का क्रीम में चमक ना जाए, इसको रगड़ करो। हाथ करके दिखाओ कैसे रगड़ा। कुछ नहीं करना है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन और 45 to 90 degree एंगल एंड जस्ट पुलिंग। हमारा एंगल बहुत जरूरी होना चाहिए, जितना हमारा हाई एंगल इतना बाउंस। और जो नीचे के बाल हैं हमें उसमें क्रीम बिल्कुल नहीं लगानी है, तो हमारे बालों में बाउंस आएगा, आउटकर्ल्स आएगा, इसी वजह से हम उसको कहते हैं परमानेंट लो ड्राई, आउटकर्ल्स, आउटकर्ल्स। सो दिस इज अ न्यू सर्विस इन ए सैलून। पहले क्या करता था, स्मूथिंग चलता था, रिलैक्सिंग चलता था, नाउ परमानेंट ब्लो ड्राई। लेट्स वॉच दिस, प्लीज सेक्शन लो, प्रॉपर सेक्शन लो, हॉरिजॉन्टल सेक्शन लो। टेल कॉम यूज करेंगे ओनली वंस, बालों को टेंगल फ्री करने के लिए, उसके बाद में नो टेल कॉम, नो बोर्ड। हमने कोई बोर्ड यूज किया, हमें बोर्ड यूज करी क्या? बिल्कुल नहीं, बिकॉज हम लोगों ने मुंडी को कंट्रोल किया है, ये जो है ना मुंडी, हमने इसको कंट्रोल किया है। अगर आप इसको कंट्रोल करना सीख जाओगे ना, क्लाइंट को कंट्रोल कर सकते हो। इट्स लाइक हिप्नोटाइज अ क्लाइंट, दिस इज सो इंपॉर्टेंट। हमारा चल रहा है एप्लीकेशन। जब तक आप लोगों का क्रीम तेल ना बन जाए, इसको रगड़ो, इसको रब करो, इसको पॉलिश करो। देखो कितने सारे नाम है इसके, इसको हम लोग कहते हैं इमल्सिफिकेशन, इसको हम लोग कहते हैं इमल्सिफिकेशन, इसको हम लोग कहते हैं इमल्सिफिकेशन, इसका नाम है परमानेंट ब्लो ड्राई, या आप लोग कह सकते हैं इंटेंसिव ब्लो ड्राई, बट मैं इसको सिंपल बना दिया है, इट्स कॉल्ड परमानेंट ब्लो ड्राई। मतलब बालों को ब्लो ड्राई करना केमिकल लगा के, कोई तेल कोम नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है, ओनली मुंडी आगे। और हमारा एंगल कौन सा चल रहा है, 45 to 90 degree। तो नीचे के जो हमारे 1.5 inch बाल हैं, वहां में क्रीम बिल्कुल नहीं लगानी है, वहां में क्रीम बिल्कुल नहीं लगानी है। और हमने यूज किया है स्ट्रेटनिंग क्रीम, क्योंकि आज हम लोग बरीना का सेमिनार कर रहे हैं, हमने यूज किया बरीना का स्ट्रेटनिंग क्रीम यूज किया है, बालों को पॉलिश करेंगे, बालों को चमकाएंगे, बालों को इमल्सिफाई करेंगे, बालों को रगड़ेंगे, जितना रगड़ेंगे इतना बालों में चमक आएगा। सो कोई हमें स्ट्रेटनिंग बोर्ड चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, तो प्लीज स्ट्रेटनिंग बोर्ड को निकाल कर फेंक दो। आप लोग हमारा चल रहा है इमल्सिफिकेशन, हमारा चल रहा है रगड़ी, हम लोग बालों को पॉलिश कर रहे हैं। जब तक हमारा व्हाइट क्रीम तेल ना बन जाए, इसको रगड़ो, देखो जितना रगड़ोगे इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। इसका जो टेक्निकल नाम है वो है हमारा एप्लीकेशन। हम लोग कर रहे हैं बालों के ऊपर एप्लीकेशन, बट मुंडी कंट्रोल करना सीखो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुम्हें ठंड लग रही है क्या? ब्लैंकेट लेके आती ना घर से, ठंड लग रही है, ब्लैंकेट लेके आओ घर से, हमारा चल रहा है क्लासिफिकेशन, ये भी चाहिए क्या? हम लोग कर रहे हैं एप्लीकेशन,
स्क्रबिंग कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, बालों को खींच रहे हैं, कोई जैकेट मत खींच, बालों को खींच रहे हैं, देखो हंसना कितना जरूरी है, हंसोगे ना आपका प्रोफेशन हंसेगा, आप लोग हंसोगे ना आपके बाल हंसेंगे, हंसना बहुत जरूरी, पर बिना च्युइंगम के, बिना च्युइंगम के प्लीज, पीछे के बाल पीछे, जस्ट वॉच दिस राइट, और हमारे सेक्शन हॉरिजॉन्टल, जितना मोटा बाल इतना पतला सेक्शन, माय डियर 10 मिनट लगेंगे एप्लीकेशन करने में, यू हैव टू हैव ए स्पीड, और स्पीड जब ही आएगी जब सिस्टम आएगा, हमारा चल रहा है कंसंट्रेशन, नो टेलकॉम नो बोर्ड, हम लोग टेलकॉम यूज करेंगे ओनली वंस, बालों को टेंगल फ्री करने के लिए, माय डियर मेरा जो मॉडल का चौकटा है ना चेंज हो जाएगा, शी लुक सो ग्लैमरस टुडे गाइस, ट्रस्ट मी इट्स नॉट मेकअप, इट्स हेयर, इट्स हेयर, तो मैंने पीछे के बाल किए, पीछे साइड के बाल साइड के ऊपर, इसका मतलब मेरा सेक्शन कैसे जाएगा हॉरिजॉन्टल, अब मेरे पास जो मेरे पास दो ऑप्शन है साइड के बीच के, इसको सुन लो प्लीज है, जब आप लोग करते हो प्रोड्रा है स्टेप कट के अंदर साइड में क्या करते हैं आप लोग साइड पे क्या करते हैं, अगर छोटे बाल होंगे फेदर, लंबे बाल होंगे आउटकर्ल्स, तो इसमें सेम थिंग है, अगर आपके बाल छोटे हैं सारे बालों पे लगा के फेदर कर दो, अगर बाल लंबे हैं फिर छोड़ दो, तो यह ऑप्शन, बालों को पूरा करो, बालों को क्या करें पूरा करें छोड़ रहे क्योंकि बाल लंबे, सो एग्जैक्टली सेम हॉरिजॉन्टल 45 to 90 degree, और नीचे के बालों को छोड़ेंगे हम लोग, स्कैल्प टच नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए स्कैल्प टच नहीं करेंगे, अब तो ठंड नहीं लग रही, अब मतलब उसको ठंड क्यों नहीं लग रही, एक तो मेरी जैकेट तो ठंड कैसे लगेगी, समझने वाले समझ गए, 90% लोगों के पास समझ भी नहीं आई, हमारा चल रहा है 90% लोगों को बात समझ नहीं आई, मैंने बोला क्या है, तुम्हें समझ आ गई, ये इंटेलिजेंस है, सॉरी पता मुझसे तो कुछ भी बोलोगे ना मेरे पास उसका आंसर है, मैं मजाक करता हूँ, मैं सोचा लाइफ में मजाक करना बहुत जरूरी है, हमारा चल रहा है इंटेंसिफिकेशन, हमारा चल रहा है सिंपल बालों को पॉलिश करना, पता कितना टाइम लगेगा 10 मिनट, चाहे जितने लंबे बाल हो 10 मिनट लगेंगे, और एक चीज और सुनो, स्ट्रेटनिंग हमेशा एक आदमी करे, हम लोग क्या करते हैं शॉप बिजी है, एक आदमी इधर करता है एक आदमी इधर करता है, क्या होता है हर आदमी का प्रेशर डिफरेंट है, रिजल्ट डिफरेंट आएगा, एक आदमी को करना चाहिए, हमारा डायरेक्शन थ्री, तेरी कोई लास्ट ख्वाहिश है क्या, हेलो शी इज इन अ ड्रीम वर्ल्ड में चली गई है, टॉप से जस्ट वॉच, इसको देखते हैं, जब भी हम लोग करते हैं फ्लोड्रा स्टेप के अंदर टॉप पे क्या करते हैं हम लोग टॉप पे क्या करते हैं, कभी आउटकर्स नहीं करते, हमेशा इनवर्ट करते हैं, इसका मतलब जो टॉप वाला पीस होगा सारे बालों पे लगेगा, हमें इसको छोड़ना नहीं है, देखने दोबारा, लेट्स वॉच दिस, दिस इज सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज साइड वाला पीस खराब हो सकता है लेकिन ये वाला पीस शीशे में नजर आएगा सबसे अच्छा, देखो ये कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है, ये बालों के अंदर रोलर बना रहा है ताकि हमारे बालों के अंदर बाउंस आए, यानी सी दिस रोल, हमने बालों में रोलर बना दिया ताकि हमारे बाल फ्लैट नहीं होंगे, हमारे बाल हमेशा बाउंस ही रहेंगे,
लोग हमेशा कंप्लेन करते ना मेरे बाल बैठ हो गए, बाउंस आ गया, हमने बालों में लोड लगा दिया। सेम प्रोसीजर, आगे के बाल देखो, बालों के अंदर होल क्रिएट कर रहे हैं। आपके बाल कभी टूटेंगे नहीं, आपके बाल कभी खड़े नहीं होंगे। हमें लोड क्रिएट करना है। कैसा लगा आप लोगों में एप्लीकेशन? अगर आप लोगों को स्ट्रेटनिंग करना सीखना है, ये सीखो। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं पावर क्या है, इसमें पावर लेके आते हैं लोग। एक्सेक्ट एंड सेव, जस्ट नाइस रोलिंग, जस्ट नाइस रोलिंग। हम इसको रोल कर रहे हैं। रोल कौन सा एरिया कर रहे हैं? ओनली बॉक्स। तो पीछे के बाल, पीछे साइड के साइड में, साइड के साइड में, फ्रंट के रोल बनाना है। इधर इधर भाई, सेम प्रोसीजर। कितना टाइम लगा? 10 से 15 मिनट। क्या जितने लंबे बाल हो टाइम सेम लगने वाला है। अब हमारा शुरू होता है, अब हमारा शुरू होता है एनर्जी आ गई। प्रिया में लगा है अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट। जब मैंने क्रीम लगा के छोड़ा, इसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग टाइम। और वो कितना होगा? 15 to 20 or 25 minutes, not more than that. Next point, ash shape checking. कैसे करेंगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। नेक्स्ट पॉइंट, रिंस। कितने टाइम के लिए? 15 मिनट के लिए। कौन सा पानी? नलके का पानी, कभी गर्म पानी मत यूज करना प्लीज, ना चाहे बूट जितना ठंड हो। नेक्स्ट पॉइंट, रिंस करने के बाद में टॉवल ड्राई। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हीट नंबर टू। बट मेरे इसके अंदर क्या होने वाला है? नाउ ब्लो ड्राई, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं ब्लो ड्राई, हमारे हम बालों को ब्लो ड्राई करेंगे। कैसे करेंगे? आई शो यू। नेक्स्ट पॉइंट, आप यूज करेंगे स्ट्रेटनिंग रॉड 5 मिनट के लिए। ड्राई में कितना टाइम लगेगा? 15 से लेकर 20 मिनट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट प्लीज फॉलो दिस है, आप लोग कभी गलती नहीं करेंगे। जस्ट आंखें बंद करके इस सिस्टम को फॉलो करो। रॉड लगाने के बाद में अगेन न्यूट्रलाइजर। कितने टाइम के लिए? 15 मिनट। नेक्स्ट पॉइंट, रिंस। कितना टाइम? 5 से लेकर 7 मिनट। कौन सा पानी? नलके का पानी। नेक्स्ट पॉइंट, रिंस करने के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था? टॉवल ड्राई, टॉवल ड्राई। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? कट, कट हो चुका है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? फिनिश। देखा दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में कट पहले, एक में कट पहले, एक में कट बाद में। एक के अंदर एंगल 0 degree, दूसरे के अंदर एंगल 45 to 90 degree। एक के अंदर पाउंस, एक के अंदर फ्लैटनेस। इसको हम लोग कहते हैं परमानेंट ड्राई। कैसे करेंगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। वी गो स्टेप बाय स्टेप, बट वी फॉलो हमारे नोट्स पे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का, चाहे ये पूरी ले लूं क्या? हमारा किसने हाईलाइटिंग करानी है?
बाल बहुत ज्यादा है, मुझे इतने लंबे बाल चाहिए जिसके बालों में कलर नहीं है, जिसके बालों में कलर नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं दो तीन मॉडल डिस्कस करेंगे। हमारे पास तीन मॉडल आ गए, चेक कर लेंगे। एस शेप चेकिंग कैसे करते हैं, एस शेप चेकिंग कैसे करते हैं। पिक्चर लगाया था, वहां से लेते एक सिंगल बार, वहां से लेते एक सिंगल बार, जस्ट वॉच। इसको हमने नाम दिया है एस शेप चेकिंग। देखा, सिंगल बार लिया, इसको खींचेंगे, इसको खींचेंगे। अगर बाल नहीं खिंच रहा तैयार नहीं, अगर बाल खिंच के रुक गया तैयार है। हमने बाल खींचा, लेकिन जैसे बाल छोड़ते हैं बाल वापस आ गया, बाल जल गए। तो इसके तीन स्टेजेस, बाल नहीं खिंच रहा, बाल खिंच के रुक गया, बाल खींचा, खींचा जैसे छोड़ा वापस आ गया, बाल जल गए। इसको कहते हैं एस शेप चेकिंग। अभी रेडी, ओके, हमारा बाल खींच के रुक गया है, हम इसको हिंस करने जा रहे हैं। सच्ची में कह रहा हूं, यू नो व्हाई लाइक शेक्सपियर। हमारा जो माइंड है ना, नेपाली इंडियन माइंड, किसी को बोलेंगे 1500 रुपए की हाइलाइटिंग, मतलब क्या बोलता है, 1000 ले ले, उसका आंसर ये है। कैसे यूज करेंगे देखते हैं। हमारी हाइलाइटिंग का नाम है लोटस हाइलाइटिंग। यू नो व्हाट इज लोटस, इट्स अ फ्लावर, इट्स अ फ्लावर, राइट। इसको हिंदी में कहते हैं कमल, क्या क्या बोलते हैं नेपाली के अंदर, कमल। तो हम लोग कर रहे हैं कमल के फूल की हाइलाइटिंग कैसे करेंगे देखते हैं। हम लोग दो शेड यूज करेंगे, एक यूज करेंगे खाकी फैमिली और एक यूज करेंगे रेड फैमिली। हम लोग दो कलर मिक्स करेंगे, एक खाकी फैमिली और एक रेड फैमिली। सो एक ब्राउन बेस, एक कॉपर बेस। कविता, तो मुंह खोलना, कविता चुंगम मुंह में रखेंगे, फोड़ लो प्लीज। हम लोग दो कलर हाइलाइटिंग कर रहे हैं जिसका नाम है लोटस हाइलाइटिंग। No easy mesh, only waxing strip. इसकी मिक्सिंग कैसे करेंगे मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा, पहले इसका देखते हैं पूरा डेमो क्या है। सेम प्रोसीजर, बोर्ड लसान। किसी का कोई डाउट है स्ट्रेटनिंग के अंदर? मुझे नहीं लगता किसी का कोई डाउट रहने वाला है, बिकॉज जो मैंने सिस्टम फॉलो किया है, मैंने एक चीज को फॉलो किया है, तो कुछ बचने वाला है नहीं। हाँ, इसकी आपका केयर क्या होगी वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। अब कमल के फूल में पहले क्या होता है, हरी पत्ती। हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको सेपरेट कर लेते हैं। हमें यहां कुछ नहीं लगाना है। उसके बाद में दूसरी पत्तियां, दिस वॉच, ऐसी होती है हमारी पत्तियां, इज़न्ट इट, दिस इज लोटस। तो हम लोग क्या करेंगे, कलर नंबर वन, कलर नंबर टू, 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 कलर नंबर वन। सो ऑल्टरनेट कलर लगाएंगे हम लोग। एक हमारा लगेगा ब्राउन कलर, एक हमारा लगेगा कॉपर कलर। इसकी मिक्सिंग में कौन सा पेरोक्साइड मिक्स करेंगे वो मैं आपको बाद में लिखवाने वाला हूँ, पहले जस्ट द एप्लीकेशन, हम लोग उसको कैसे अप्लाई करेंगे। आगे का हमारा जो हेयर लाइन है, हमें यहां आधा इंच बाल छोड़ना है ऑल ओवर, हमें यहां आधा इंच बाल छोड़ना है ऑल ओवर। सेम प्रोसीजर,
like a lotus, like a kamal. देखा क्या किया? राउंड बनाया पहले. पता है एप्लीकेशन में कितना टाइम लगेगा? 5-7 मिनट. इट इज सो क्विक. मतलब एक घंटे के अंदर क्लाइंट भाग. इतना सस्ता हमारा हायरिंग हो रहा है. और कम से कम कलर लगेगा. बहुत सस्ता सामान हम लोग यूज कर रहे हैं. हमारा चल रहा है लोटस हाइलाइटिंग. इसका राउंड बना दिया, छोड़ दिया. सेम प्रोसीजर. जस्ट वॉच दिस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पूरा और क्लोज अप करते हैं. अब राउंड बनाने के बाद में हमने कैसे पत्तियां निकाल ली हैं, हमें लीव्स कैसे निकालनी है, इसको देखते हैं. I think for Asian hair, for long hair, for step cut, this is the best highlighting. Kam se kam color, very very fast. Let's watch this, eh? Bhaiya close up chahiye mujhe. Thoda aur close up. Hello, thoda aur close up. Thoda aur close up. Dikhao mujhe. Yeah, that's better. Ek minute, yeah. Thoda isko use karenge. Bahut cool. I draw. Piche thoda dark nazar aa raha hai. Piche le ja. Aur pass le. देखो हम लोग क्या करने जा रहे हैं. हम लोग निकालेंगे हाफ राउंड. हाफ राउंड थोड़ा और क्लोजअप करो. थोड़ा और क्लोजअप. हाँ ये देखिए, दिख रहे हैं. दिस इज बिकॉज सेक्शनिंग इज सो इंपॉर्टेंट इन हाइलाइटिंग. हम लोग हमेशा कंप्लेन करते मेरे बालों में कलर नहीं चढ़ा. बिकॉज सेक्शनिंग वॉज नॉट राइट. बिकॉज मिक्सिंग वॉज नॉट राइट. देखा इसने क्या किया, हाफ राउंड. अब मेरे पास तीन ऑप्शन. मैं इसको लगाता हूं पूरे बाल के ऊपर. मैं इसको लगाता हूं आधे बाल के ऊपर. मैं इसको लगाता हूं थोड़ा नीचे. तो जितना क्लाइंट का एज यंग, इतना ज्यादा कलर. सो कंप्लीट हाफ और 25% एग्जैक्टली सेम. लेट्स वॉच दिस. है हम लोग लगा रहे हैं आधे बालों के ऊपर. थोड़ा ऊपर चले जाओ. आधे साफ कर लेते हैं. देखा कितना पतला सेक्शन है. हमारा सेक्शन मोटा नहीं होनी चाहिए. मोटा नहीं होना चाहिए. Nice even application, a very very even application. जितना अच्छा application, इतना अच्छा result, इतना even result. ये कौन था भैया? कौन था? अच्छा था जो भी था. Okay. हम लोगों ने क्या किया? दूसरा लिया waxing strip लिया. इसको नीचे लगाया. अगर आपके बाल लंबे हैं, इसको देखो कितना अच्छा है, कितना सिंपल है. और इसके बाद में इसको मोड़ दिया. कैसा लगा? कोई फॉइल पेपर लिया. फॉइल पेपर को पहले लो, लगाओ, पहले यू मोड़ो, फिर यू मोड़ो, फिर यू मोड़ो, यू. टाइम लगता है. दिस इज सो क्विक. सो प्लीज स्टार्ट वर्किंग विद एक्सटेंसिव नाउ. हमारा दूसरा पत्ती, हमारा दूसरा लीफ, बहुत ही फाइन सेक्शन. जितना फाइन सेक्शन, इतना अच्छा. 5 मिनट्स. I want to finish in 5 minutes, please, man. I want in 1 hour client should be out from the salon. अब मैं दूसरा use कर रहा हूँ copper या red base. Copper या red base, red family. हमारा चल रहा है lotus highlighting. देखा ऑल्टरनेट. एक ब्राउन, एक रेड, एक ब्राउन, एक रेड, एक ब्राउन, एक रेड. ऑल्टरनेट करेंगे हम लोग. हमारा चल रहा है लोटस हाइलाइटिंग. देखा कितना ईवन एप्लीकेशन हो रहा है, कितना अच्छा एप्लीकेशन हो रहा है. हम लोग करेंगे ऑल्टरनेट.
दो शेड्स आप चाहे तो तीन शेड भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो तीन शेड भी यूज कर सकते हैं प्लीज, ये आप पे डिपेंड करता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर तो हम लोग सारे बालों पे लगा सकते हैं, हम लोग आधे बालों पे लगा सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं क्वार्टर बालों के ऊपर, सेम प्रोसीजर सेम प्रोसीजर एक्सैक्टली सेम प्लीज इवन एप्लीकेशन ओके किसी ने मुझसे बहुत इंटरेस्टिंग चीज पूछी है डू वी ब्लॉन्डर या ब्लीच बिफोर कलर एंड माई आंसर इज नो इफ यू नो हाउ टू मिक्स अ कलर ब्लीच वी डोंट नीड ब्लीचिंग इन मोर सो ब्लीच इज पास्ट टूडे इज ओनली अ कलर एप्लीकेशन नो ब्लीच प्लीज आई डोंट वॉन्ट टू ब्लीच एट ऑल आई टीच हमारा चल रहा है लोटस हाइलाइटिंग हमारा चल रहा है लोटस हाइलाइटिंग देखा कितना इवन एप्लीकेशन हो रहा है हम लोग यूज कर रहे हैं ऑल्टरनेट शेड ब्राउन रेड और इवन ब्राउन आप लोग ब्राउन कलर भी यूज कर सकते हैं एंड नेपाल के अंदर कलर बहुत है बहुत सारा कलर है यहाँ पर इंडिया से ज्यादा कलर है यहाँ पर और यहाँ के जो कलर है बहुत ब्राइट है हमारे इंडिया में से जो कलर चलता है वो चलता है ब्राउन फैमिली यहाँ चलता है रेड फैमिली यहाँ कॉपर बहुत है सेम प्रोसीजर देखा पूरा राउंड खत्म कर लिया पहले पहले पूरा राउंड खत्म किया उसके बाद में दूसरा राउंड उसके बाद में दूसरा राउंड के बाद है दूसरा राउंड तो जितने राउंड बनेंगे इतना ज्यादा कलर नजर आएगा सेम प्रोसीजर देखा डिफरेंस क्या है स्ट्रेटनिंग और ब्रोडाई के अंदर बाउंस आउट कर्व और अगर आप बालों को टच करेंगे बाल सॉफ्ट हैं कोई नहीं कह सकता मैंने बालों में केमिकल लगाया आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट जो मैंने रबिंग किया था उससे मैंने बालों को पॉलिश किया था अब इसको नहीं शैम्पू नहीं किया मेरे नोट्स पढ़ो मैंने शैम्पू नहीं किया मैंने इसको सर रिंस किया
मेरे नोट पढ़ो, मैंने वहां कोई शैम्पू की बात नहीं की। देखो बालों को मसाज कर रहे हैं ताकि हमारे बालों में बाउंस आएगा, हम बालों को मसाज करेंगे सिर्फ, हम बालों को सिर्फ मसाज करेंगे प्लीज हैं। कोई ब्रश नहीं लिया हमने अपने अपने हाथ के अंदर, बालों को रबर रहे हैं लाइक ए जिग जैग स्पॉट जिग जैग, बालों को मसाज करेंगे सारे के सारे बालों को मसाज करेंगे तो ताकि हमारे बाल 90% ड्राई हो जाए बिना ब्रश के। हमारे बालों को बाउंस आना शुरू हो गया, हमारे बालों में बाउंस की मारा देखो तो मैंने जिग जैग मसाज किया है, मेरे बालों में बाउंस आ गया। कहते हैं कोई भी नॉर्मल ब्रश, जरूरी नहीं कि हमें बहुत महंगा ब्रश चाहिए, एनी ब्रश, कोई आपका ड्राई नहीं पकड़ेगा, आपको खुद ड्राई करना है, आपका कोई ड्राई नहीं पकड़ेगा, कम से कम क्लिप यूज करेंगे हम लोग, जितना कम क्लिप इतना तेज काम, कोई आपका ड्राई नहीं पकड़ेगा प्लीज। इसको देखते हैं ध्यान से, इसको ध्यान से पूछना, मैं आपसे पूछूंगा ये कर क्या रहा है। Let's watch this, eh? ठीक है, ये बालों को पॉलिश कर रहा है विद द हीट, कोई आपका जाय नहीं पकड़ेगा प्लीज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कम से कम या नो क्लिप एट ऑल। क्या किया इसने, हमने क्या भी गलत किया, क्या है इसने क्या किया, इसने क्या किया आपने देखा, इसने पहले ऊपर से अंदर रोल किया, फिर साइड से साइड में रोल किया, फिर साइड से साइड में रोल किया, फिर नीचे से ऊपर रोल किया, देखा आप लोगों ने, एक सेक्शन फोर डायरेक्शन ऑफ मूविंग। Let's watch. तो कोई सा भी कट होगा सेम नॉट ड्राई, सेम प्रोसीजर हम लोग कर रहे हैं, चार डायरेक्शन ट्राई कर रहे हैं हम लोग अभी। सेम प्रोसीजर देखा, लाइक ए रोलर, लाइक ए रोलर, जस्ट रोल, जस्ट रोल, जस्ट रोल, पता कितना टाइम लगेगा, 15 से लेके 20 मिनट, फास्टर जोड़ रहा है, जस्ट जोड़ रहा है, और कोई हीट प्रोटेक्टर मैंने यूज नहीं किया बिकॉज ऑफ द प्री कंडीशनिंग। तो प्री कंडीशनिंग के कितने फायदे हैं, क्या कितने फायदे उसके, हमारा चार डायरेक्शन हीट सिस्टम, कोई सभी ब्रश यूज करो, अगर ब्रश नहीं है कोम यूज करो, कोई सभी ब्रश यूज करो, अगर ब्रश नहीं है कोम यूज करो, बट टेक्निक भी अभी फॉलो करो, एंड जस्ट वॉच दिस लाइक अ वन मिनट ड्राई। अब सबसे इंपॉर्टेंट आगे वाला पीस, तो जैसे मैंने इसको आगे अप्लाई किया था सेम ब्लो ड्राई, इसको देख रहे हैं जिस हिसाब से, वेरी इंटरेस्टिंग, आई जस्ट वॉच दिस, कोई ड्राइव पकड़ रहा है नरेंद्र का, और कम से कम क्लिप यूज करो, तब भी कितना तेज काम हो रहा है, तेज प्रोसीजर, तेज प्रोसीजर, कैसी है, सेम प्रोसीजर, पीछे के बाल, पीछे पीछे के बाल पीछे जाने वाले हैं, साइड के बाल साइड पे जाने वाले हैं, तो जैसा एप्लीकेशन ऐसा ब्लो ड्राई, ऐसा रॉट, मतलब सबके लिए एक ही टेक्निक है,
four direction. Same procedure. Exactly same procedure. पीछे के बाल पीछे, साइड के बाल साइड के ऊपर, साइड के बाल साइड के ऊपर, आगे वाले बाल हमेशा आगे. Exactly same. देखा कितना सिस्टम है, काम किया कितना कर बताया होगा. और बालों में चमक है, बालों में शीन है, बालों के अंदर शाइन है, बाल हमारे ज्यादा हेल्दी नजर आ रहे हैं. इसने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत स्टूपिड क्वेश्चन पूछा. मुझसे कहती थी हमने ब्रोडाई कर लिया, रॉड क्यों लगा रहे हैं? हम लोग ब्रोडाई करने के बाद रॉड क्यों लगाते हैं? अच्छा फिनिश करने के लिए. इससे इसकी वजह से हमारा फिनिश अच्छा हो जाएगा. अब समझ आया? स्टूपिड भी बहुत इंटरेस्टिंग है. इसने मुझसे पूछा कि हम लोग रॉड क्यों लगा रहे हैं, तो मैंने आंसर दिया, जब भी हम लोग ब्रोडाई करते हैं उसको फिनिश करने के लिए हम लोग रॉड लगाते हैं. तो यार प्यार से पढ़ाता हूँ. हमारा चल रहा है रॉड सेटिंग, करेंगे इसको हम लोग. न्यूट्रलाइजर, हमारा चल रहा है न्यूट्रलाइजर. हमारा चल रहा है न्यूट्रलाइजर. हम लोग न्यूट्रलाइजर क्यों यूज करते हैं? हमने जो बालों का टेक्सचर चेंज किया है उसको जोड़ने के लिए, ताकि हमारे पास दोबारा कड़ी ना हो पाए. तो हम लोग कर रहे हैं न्यूट्रलाइजर. अच्छा अरे 2 सेकंड, चलिए अब तेरे तू मुझसे मेरी किसी एक जैकेट ले ले, पैसे किसे कराया ये कह लो. हमारा चल रहा है न्यूट्रलाइजर. हमारा चल रहा है न्यूट्रलाइजर ताकि हमारी जो नई शेप है वो स्टे करेगी. इसको हम लोग कहते हैं बालों को फिक्स करना इनटू अ न्यू शेप. इसको हम लोग कहते हैं बालों को फिक्स करना इनटू अ न्यू शेप, न्यूट्रलाइजर. इसको हम लोग छोड़ेंगे 15 मिनट के लिए. करो इसको हम लोग कहते हैं
इसको हम लोग कहते हैं कनेक्शन, या टेक्निकली हम इसको कहते हैं लो लाइट्स। तो जब भी आप लोग बालों को डार्क करेंगे उसको हम लोग कहते हैं लो लाइट्स। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सुनते हैं, अगर आप लोगों ने 20 वॉल्यूम यूज किया है 20 मिनट्स बहुत है, अगर आप लोगों ने 30 वॉल्यूम यूज किया है 30 मिनट्स बहुत है, अगर आप लोगों ने 40 वॉल्यूम यूज किया है 40 मिनट्स ओनली, अगर आप लोगों ने 10 वॉल्यूम यूज किया है 10 मिनट्स ओनली। तो जितना प्रोक्साइड का वॉल्यूम इतना टाइम, इजी हो गया। तो 20 वॉल्यूम 20 मिनट्स, 30 वॉल्यूम 30 मिनट्स, 40 वॉल्यूम 40 मिनट्स, 10 वॉल्यूम 10 मिनट्स। सिंपल, 20 वॉल्यूम ग्रे कवरेज, 30 वॉल्यूम ग्लोबल कलर, 40 वॉल्यूम स्ट्रीक्स, 10 वॉल्यूम करेक्शन। ये छोड़ना है, किसी का नेल क्लियर है क्या? किसी का नेल क्लियर है क्या? गलती हो गया। अगर हमारा 40 मिनट्स पूरा हो गया ना, इसके बाद केमिकल काम नहीं करेगा। अगर हम लोगों ने 40 वॉल्यूम यूज किया था, 40 मिनट्स के बाद में कलर काम नहीं करेगा, हमारा स्टॉप हो जाएगा अपना या स्लो हो जाएगा। क्लाइंट कहता मुझे चाहिए नंबर 8, कभी नंबर 8 मत यूज करना, हमेशा यूज करना एक या दो शेड ज्यादा। तो अगर क्लाइंट ने बोला मुझे नंबर 8 चाहिए, यूज करो नंबर 9। क्लाइंट कहता मुझे नंबर 9 चाहिए, यूज करो नंबर 10। कभी ब्लीच की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसने मुझसे पूछा ब्लीच के बारे में? कभी ब्लीच यूज करना नहीं पड़ेगा। तो जो कलर मांगा है उसका एक या दो शेड ज्यादा कलर यूज करो, सो नो ब्लीच एट ऑल। स्टॉप 4 बाय ब्लीच कलर लाइक 7.4 लाइक 8.4, मतलब ये स्टॉप 4 है, ये हमारा होगा अपर फैब्रिक। हमने इसको मिक्स किया विथ 40 वॉल्यूम, 40 वॉल्यूम 40 मिनट्स, मिक्सिंग रेशियो 1:1। तो जब मैं कहता हूं कॉपर फैमिली 8.4, 9.44 या 10.444, ये मेरी फैमिली चलती है। आई थिंक इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा, कलर साइंस इट्स सो ह्यूज। तो प्लीज सीखते हैं स्ट्रोक 1 क्या है, स्ट्रोक 2 क्या है, स्ट्रोक 3 क्या है। मैं लिख देता हूं, स्ट्रोक 1 होता है, स्ट्रोक 1 होता है ऐश, स्ट्रोक 2 होता है, स्ट्रोक 3 होता है गोल्ड, स्ट्रोक 4 होता है कॉपर। ये दिमाग पर डाल लेना। तो जब भी हमारा कलर आएगा 7.1, मतलब इसके अंदर एश की टच आएगी। अगर कलर आएगा 7.3, इसके अंदर गोल्ड की टच आएगी। अगर हमारा कलर आएगा 7.4, इसके अंदर कॉपर की टच आएगी। तो जो हमारा स्टोप का जो आगे का हुआ है ना शेडिंग, उसको दिमाग में रखना चाहिए। अब हम लोग करेंगे ब्लॉन्ड कलर। यहां जितने लोग बैठे हैं
मुझे लगता है सब लोग ने ब्लॉन्ड कलर बहुत ज्यादा यूज किया, ब्लीच यूज किया. ओके, ब्लीच है क्या? पूरा सब ब्लीच क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट. ब्लीच होता है अमोनियम कार्बोनेट. मतलब इसका जो पेस्ट है हम उसको कहते हैं ब्लीच पाउडर. हमारी दो तरह की ब्लीच आती है, एक हमारी होती है स्किन ब्लीच और एक हमारी होती है हेयर ब्लीच. सो जो मैग्नीशियम होता है ये माइल्ड केमिकल है और जो अमोनिया होता है ये स्ट्रॉन्ग केमिकल है. इसका मतलब हेयर ब्लीच के अंदर, सॉरी स्किन ब्लीच के अंदर मैग्नीशियम ज्यादा और हेयर ब्लीच के अंदर अमोनिया ज्यादा. समझ आ गया? मैं नहीं कह रहा था आपको ज्यादा जानना चाहिए, बट यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट इट कि ये है क्या. अब ये जो ब्लीच है, ब्लीच काम नहीं करेगा विदाउट हीट, जिसके लिए हमें इसके अंदर मिक्स करना पड़ता है H2O2. और हमेशा हेयर ब्लीच के लिए यूज करो 30 वॉल्यूम, नॉट 40, नॉट 20, यूज करो 30 वॉल्यूम. हमने इसका बनाया पेस्ट, हमने इसका बनाया पेस्ट और बालों पे अप्लाई किया. इसको सुनते ध्यान से. पिगमेंट्स हैं जिसको हम लोग मेलानिन भी कहते हैं. ये चार हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड एंड गोल्ड. हम सबके बालों के अंदर चार पिगमेंट्स होते हैं. अगर आपके बाल काले नजर आ रहे हैं, काला पिगमेंट्स. अगर आपके बाल ब्राउन नजर आ रहे हैं, ब्राउन पिगमेंट्स. यूरोप के अंदर हमारे बाल ब्लॉन्ड नजर आते हैं, येलो पिगमेंट्स. अगर आपके बाल लाल नजर आते हैं, रेड पिगमेंट्स. तो जब भी हमें बालों का कलर चेंज करना है, हमें पिगमेंट्स को निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं ब्लीच पाउडर. और सारे कलर के अंदर ब्लीच पाउडर होता है. कोई ऐसी कंपनी नहीं जिसके अंदर ब्लीच पाउडर नहीं होता, लेकिन उसका नाम वहां क्या होता है? अमोनियम एंड मैग्नीशियम. तो जितने कलर हैं अमोनिया फ्री, सुनो प्लीज, हैं जितने कलर हैं अमोनिया फ्री, उसका बेस क्या है? मैग्नीशियम. उसका बेस है मैग्नीशियम. मैंने पेस्ट बनाया, बालों पे अप्लाई किया. और जब मैं अप्लाई करूंगा जो मेरा पिगमेंट्स है बालों में से कैसे निकलता है, हम इसको कहते हैं सेवन स्टेजेस ऑफ ब्लीच. अब वो क्या है? सबसे पहले ब्लैक, उसके बाद ब्राउन, उसके बाद रेड, उसके बाद रेड गोल्ड, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद येलो और सबसे लास्ट स्टेज हमारी पेल येलो. देखा हमारे पूरे के सारे पिगमेंट्स आ गए. अब इसमें कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता, बिकॉज हर इंसान के बालों का टेक्सचर डिफरेंट है. सो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको चेक करना पड़ेगा और जो भी हमें कलर चाहिए, रिक्वायर्ड कलर, हमें इसको सिर्फ रिंस करना है. इसको हम लोग कहते हैं ब्लीच हाइलाइट्स. समझ आया? इसको हम लोग कहते हैं, हम लोग सबसे पहले ब्लीच हाइलाइटिंग करते हैं, सब लोग करते हैं. लेकिन जब से हमारी कलर की क्वालिटी अच्छी हुई है, हमने ब्लीच करना छोड़ दिया, बिकॉज ब्लीच कलर के अंदर ही ब्लीच आना शुरू हो गया. अभी जो मैंने क्लाइंट किया है, मॉडल किया है, मैंने इस पर ब्लीच बिल्कुल यूज नहीं किया है, ओनली कलर यूज किया. और आप तब भी देखना उसके बाद कितने ब्राइट हो गए. ओके, दिस कॉल्ड कलर साइंस. सिंपल है, ओनली लर्न 20, 30, 40, 10 को कैसे यूज करेंगे, मिक्सिंग कैसे करेंगे और उसका रेशियो क्या होना चाहिए.
ओके नहीं अच्छी बात पूछिए प्लीज का कोई रेशो नहीं होता बिकॉज एक लिक्विड है एक पाउडर है तो उसका ब्लीच पाउडर भी होता है हमेशा मोस्टली पाउडर होता है इसलिए कह रहा हूँ रेशियो नहीं बन सकता रेशियो बनता है अगर दोनों लिक्विड होंगे मैंने परमानेंट फ्लोराइड कर लिया इसकी आफ्टर केयर कब वॉश करेंगे नेक्स्ट टाइम थर्ड डे कहाँ वॉश करेंगे अपनी सालों के अंदर घर पे कभी वॉश मत कराना तो फर्स्ट वॉश इन द सालों नंबर वन नंबर टू कितना लंबा चलेगा सुन लो जितना छोटे बाल इतना छोटा टाइम जितने लंबे बाल इतना लंबा टाइम तो छोटे बाल 4 महीने लंबे बाल 8 महीने तो एनी टाइम बिटवीन 4 to 8 months और क्या करना पड़ेगा रोज शैंपू करो प्री कंडीशनिंग करो कंडीशनर करो अगर चाहिए सीरम लगाओ और बालों को कटाओ 1 to 3 months तक अगर नहीं कटाएंगे ना मेरे बालों के अंदर स्प्लिंटर आने शुरू हो जाएंगे तो मेरे बाल नीचे से ऊपर ग्रो करेंगे लोग कहते हैं कि स्ट्रेटनिंग से मेरे बाल खराब हो गए हमारे बाल खराब नहीं हुए हैं हमने उसको आफ्टर केयर प्रॉपर नहीं किया तो अगर आपको कलर स्ट्रेटनिंग पर्म का अच्छा रिजल्ट चाहते हैं आफ्टर केयर इज सबसे इंपॉर्टेंट फेसबुक अकाउंट नंबर 1 एंड आई विल गिव यू माई व्हाट्सएप नंबर लेकिन वो है आपके लिए डायरेक्शन कि आपको करना क्या है आप मुझे मैसेज करो आई विल कम बैक टू यू ओके आई विल राइट बोथ फॉर यू 8110270 9 6 और जो मेरा फेसबुक अकाउंट है वो है जावेद हबीब पता मेरे कितने फेक अकाउंट चलते हैं विल बी सरप्राइज बट जो रियल वन है वो ये है जावेद हबीब हेयर एक्सपर्ट हेयर एक्सपर्ट तो अगर आप लोगों को कोई भी मुझसे सपोर्ट चाहिए डायरेक्शन चाहिए आपने स्ट्रेटनिंग किया खराब हो गया मैसेज मी आई विल कम बैक टू यू आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा कलर मिक्स करना है मैसेज मी आई विल कम बैक बट ओनली मैसेज देखा मैं कोई टेलीफोन पे बात नहीं करता हूँ बट आई कीप गेटिंग मैसेजेस मैं उसको आंसर करता हूँ और अगर मुझे महसूस होता कि आपको किसी को कॉल कराना पड़ेगा मेरे ऑफिस से आपको कोई कॉल करके समझाएगा कि कैसे मिक्सिंग करें वो है बाल और बालों के केमिकल इस पे काम करो प्लीज एंड इफ यू वांट टू रियली ग्रो बिग हाथों में बालों की पावर लेके आओ एंड यू कैन डू वंडर्स कौन सा सा बुक है हमारे पास में ज्यादा नहीं है हमारे पास ये हमारी है आती है वहां पर हिंदी में भी है हमारी ये सीरीज है वी गॉट 60 वॉल्यूम दीज आर प्रोफेशनल सीरीज स्टूडियो की शूट है जैसे पे लिखा सिल्क ट्रीटमेंट मतलब एक सीरीज के अंदर एक ही चीज है इसमें सब कुछ नहीं मिलेगा इसके 60 वॉल्यूम मिल जाएंगे आपको आप उसे व्हाट्सएप पे आ सकते हैं यू कैन यूज माई कटिंग शीट इन योर सैलून एंड यू कैन वेयर माई एप्रन इन योर सैलून बस इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बाहर बोर्ड पर जाओ लगाने वाले बिकॉज उसका पैसा लगता है उसके लिए आपको फ्रेंचाइज लेनी पड़ेगी अगर आप लोग जावेद अभी भी फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पे मुझे आप मैसेज कीजिए वेलकम बैक टू यू पता फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है अपना दिमाग बंद करो सारा सिस्टम आपको हम लोग देंगे फ्रॉम डिजाइनिंग ऑफ ए सैलून मार्केटिंग स्टाफिंग ब्रांडिंग सब कुछ हम आप लोग देते हैं So if you want anything, please come back to me, write to me, I'll come back to you. So, मैं एड्रेस बनूंगा मैं करना चाहता था होटल मैनेजमेंट और इसी वजह से मैंने फ्रेंच के अंदर डिग्री ली है और मेरे फादर वो भी बाल काटते हैं मेरे दादा भी बाल काटते थे मतलब हमारी जो लेगेसी है वो 100 साल की है मतलब मैंने उसके अंदर एजुकेशन डाली हमें अगर आप लोगों का जावेद हबीब नजर आता है उसका बेस पता क्या है उसकी लुक्स नहीं है एजुकेशन मैंने एजुकेशन बहुत ध्यान दिया क्योंकि मैं सोचता हूँ एजुकेशन कोई भी प्रोफेशन को चेंज कर सकती है एजुकेशन आपको
रिस्पेक्ट दिला सकती है, एजुकेशन आपको बड़ा बना सकती है, तो अपने आपको एजुकेट करो। और रोज हेडरसन चेंज हो रही है, रोज हमारी इंडस्ट्री चेंज हो रही है, सेमिनार अटेंड करो और जो अच्छी चीजें हैं उसको फ्लैग करो। आई रियली वांट कि जिसका हम लोग खाते हैं ना लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग कहते हैं बालों का काम करते हैं। तो प्लीज अगर हम लोग सारे एक साथ बन जाएंगे ना एज ए फैमिली, हम लोग ग्रो करेंगे। और कभी किसी की बुराई मत करो। हमारे प्रोफेशन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक, आपके पास क्लाइंट आया सबसे पहली चीज पूछते हैं लास्ट टाइम कहां से कराया, और पता उसका आंसर क्या होता है, बहुत खराब हुआ है। आप कौन है ये कहने वाले हैं कि खराब हुआ है? यही क्लाइंट जब कहीं और जाएगा ना आपकी बुराई हो जाएगी। तो प्लीज एक दूसरे की बुराई करना छोड़ो और लेट्स बिकम अ फैमिली। सपोर्ट करेंगे अगर हम तो एक दूसरे के सपोर्ट करेंगे ना हम लोग पता नहीं कहां से कहां पहुंचने वाले हैं। कभी कंप्यूटर बाल नहीं काट पाएगा, ये बात पक्की है। मतलब इस सेंचुरी के अंदर और हर इंसान के बाल हर महीने कटने हैं, चाहे पैसे हो ना हो बाल कटने हैं, पैसे हो ना हो फेशियल होना है, पैसे हो ना हो आईब्रो होनी है, क्योंकि हम लोग सारे के सारे अच्छे दिखना चाहते हैं। So please let's become a family and I'm sure we all can become big. लोग बोले हम लोग हमें सलाम करेंगे। और एक only profession है जिसके अंदर आदमी हमारे सामने सर झुका देता है। You know this? इससे बड़ा profession नहीं है। हर आदमी हमारे आगे सर झुकाता है, कुछ भी कर ले हम लोग। Prime Minister भी सिर झुकाता है, Prime Minister भी सर झुकाता है, President भी झुकाता है, सब झुकाता है। तो प्लीज इससे बड़ा कोई प्रोफेशन नहीं है। वो शुरू करें क्या? हमारा चल रहा है ड्रायर, हमारा चल रहा है ड्रायर, हमारा चल रहा है फ्रीशिंग ऑफ ए ड्रायर, अब अपलोड ड्रायर। हमारा चल रहा है ड्रायर, सबैजना म्युजिसियनहरूको लागि धेरै ठुलो गोल्डन अपर्च्युनिटी पनि हो, मौका पनि हो, दस्तुर पनि हो। 35 वर्ष अगाडि 2035 सालमा कमला श्रेष्ठले सयाँ ब्युटी सलुन खोलेकी थिए, सोचेको थिएन यतिका सन्तानहरू उत्पादन हुनुहुन्छ र यतिकाले रोजगार पनि पाइराख्नु भएको छ। अहिले लगभग नेपालभरि 2-3 लाख ब्युटिसियनहरू हुनुहुन्छ। यो हामी सबै ब्युटिसियनहरूलाई गर्व गर्ने कुरा छ। म धेरै प्राउड फिल गर्छु, मेरा स्टुडेन्ट पनि धेरै हुनुहुन्छ। सौन्दर्यकला व्यवसाय सङ्घमा आबद्ध ब्युटिसियनहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ र विशेष गरिकन जिल्लाबाट पाल्नु भएका
यहाँ धेरै जिल्लाबाट आउनु भएको छ, सुदूरपश्चिम नेपालगञ्ज, दार्जिलिङ, पोखरा, गोर्खा, म नाम लिन नसकिरहेको होला, नाम आफैले उठाउनु भएको हुन्छ, मोरङ, चितवन, पर्सा, दार्जिलिङ, आप सब लोगों को उल्लू बनाते हैं, दिल्ली का बिल्ली भी आ गया है। कभी कभी ऐसे सेमिनार में देखते रहते हैं इसके इलचे भी हो जाते हैं, ये जानते हैं कि आपको कैसा हैंडल करना है। वो जब बोल रहे थे ना बक बक करना है, बक बक, वही तो है खासियत। एनी हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल तपाईँहरू सम्पूर्ण वीक्षकहरूलाई म हृदय धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, वेलकम गर्न चाहन्छु र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु कि यो व्यवसायलाई अघि अघि जागे दिने बोला था कि वी अल आर फ्यामिली मेम्बर, ए होना बहुत बहुत जरुरी है। जो भी हो, जहाँ भी हो, जहाँ पनि हुनु सकाएर हो, हामी जहाँ छौँ, जे गरिरहेको छौँ, हाम्रो व्यवसाय एउटै हो, जाने गन्तव्य एउटै हो, लक्ष्य एउटै हो, उद्देश्य एउटै हो, फरक छ त छैन। खालि के मात्रै भने म अलिकति अगाडि जन्मेँ, तपाईँहरू अलिकति पछाडि जन्मिनु, द्याट इज द डिफरेन्स। तपाईँहरू जस्तो म पनि त्यस्तै हो, म मात्रै कुनै भिन्न काम गरेर अगाडि आएको छुइनँ, म पनि तपाईँहरू जस्तै एकदम सानो स्केलबाट एउटा ड्रेसिङ टेबल र सिसा मात्रै राखेर सुरु गरेको व्यवसाय एक महिनामा 80 रुपियाँ कमाउने यही कमला श्रेष्ठ हो भने सबभन्दा पहिला म तपाईँहरू सबै गुरुसे दिदीबहिनीहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी एक हौँ, एकजुट हौँ। कुनै पनि काम कुराहरू यदि नेपाल सरकारसम्म पुर्याउनु छ भने तपाईँ हामी सबैको सल्लाह सुझाव अति आवश्यक छ। अहिले तपाईँहरूले उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, जो अहिले मलाई सुमाले भन्नुभयो, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जस्तो गरिमामय छाता सङ्गठनको सौन्दर्य कला व्यवसाय सङ्घ एउटा सदस्य हो, तपाईँहरू पूर्व मेचीदेखि पछि महाकालीसम्मका सम्पूर्ण ब्युटिसियनहरूको छाता सङ्गठन हो, त्यो नट ओन्ली सौन्दर्य कला, तपाईँहरू सबै ब्युटिसियनहरूको एउटा छाता सङ्गठन हो। यसरी प्रतिनिधित्व गर्दै म त्यो ठाउँमा गएको छु र अब मैले सोचेको र हाम्रो संस्थाले सोचेको, जो अहिले म देखिरहेको छु, पुरा केन्द्रका सदस्यहरू हुनुहुन्छ, पुरा चाहिँ जिल्लाबाट आउनुभएका सदस्यहरू हुनुहुन्छ, सबैको प्रयास एउटै छ कि हाम्रो कमी कमजोरी, हामीलाई खट्केका कुरा, हामीलाई आवश्यकता परेका कुराहरू नेपाल सरकारसँग कसरी माग गर्ने, सिङ्गल ब्युटी पार्लरलाई कसैले पनि वास्ता गर्दैन, यदि हामी सामूहिक रूपमा गएर अप्रोच गऱ्यौँ, उसलाई डिमान्ड गऱ्यौँ, प्रस्ताव राख्यौँ भने त्यसको सुनवाई हुन्छ। त्यसैले तपाईँ हामीले सिकेर खालि कोठामा मात्रै सीमित नहुनु, यो मेरो एउटा सानो सल्लाह सुझाव र अनुरोध पनि हो, जहाँको तहीँ बस्ने होइन, एजुकेसन एजुकेसन एन्ड एजुकेसन जुन जावेद अहिले धेरै कुराहरू यति राम्रो राम्रो कुराहरूमा इज अ भेरी एक्सपिरियन्स म्यान, उहाँसँग धेरै राम्रो एक्सपिरियन्स छ, यसलाई दिने गर्नुहोस्। अब यहाँ खड्केको कुरा के छ, कोठामा हामी बैठकमा कुरा मात्रै गर्छौँ, दुई मिनट तालिमले चाहिँ डिस्टर्ब गर्यो, राम्रो राम्रो चाहिँ तालिम हुन सकेको छैन, जसले पायो त्यसले पुरिरहेको छ, त्यहाँ नीति छैन, नियम छैन, कानुन छैन, आधार छैन, कहाँ गएर पक्रिन जाउँ, कसलाई गएर भन्न जाउँ, यी सबै कुरो तपाईँहरूलाई खड्केको छ कि छैन, छ नि, सबै पीडित हुनुहुन्छ नि यो विषयमा, एउटा कुहेको आलुले सबैलाई बिगार्यो भने जस्तै, एकजनालाई मिस्टेक गऱ्यो भने हामी सबैलाई त्यसको असर पर्छ, हामी त्यसबाट अलग गराउन सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दा तपाईँ हामी सबैले अबको समयमा, मैले फेरि 3 वर्षको मलाई प्रतिनिधित्व दिइरहेको छ, तपाईँहरूकै प्रतिनिधि भएर म त्यहाँ गइरहेको छु, किनभने म एउटा सायन इन्स्टिच्युट र सायन ब्युटी पार्लरको नाताले म त्यहाँ गएको छैन, त्यहाँ सौन्दर्य कला एउटा ब्युटी एसोसिएसन, देशभरिका ब्युटी एसोसिएसनको प्रतिनिधित्व गर्दै गएको भएर अब तपाईँ हामीले एउटा माग गर्नु पऱ्यो, त्यो हो
नेपाल सरकार हामी कहाँ हामीलाई कसले हेर्छ? उद्योगले हेर्छ कि वाणिज्यले हेर्छ कि स्वास्थ्यले हेर्छ कि शिक्षाले हेर्छ? कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छौँ थाहा छ तपाईँहरूलाई? जे पनि भइरहेको छ त्यसैले गर्दा अब मेरो प्रयास भइरहेको छ तपाईँहरूलाई साथ दिनुहोस्। अब एउटा हामीले नीति बनाऊ, नियम बनाऊ र क्राइटेरिया तोकौँ र ग्रेडहरू छुट्याउँदै लैजाउँ र जुनियरहरूलाई माया गरेर अँगाल्दै उहाँहरूलाई अगाडि लैजाउँ र सिनियरहरूले उहाँहरूलाई पुल गर्नुहोस्, तान्नुहोस्। जहिले पनि जुनियरले सिनियरको रेस्पेक्ट गर्न सिक्नुहोस् र सिनियरले जुनियरलाई माया गर्न सिक्नुहोस्। आफूले जानेका काम कुराहरूलाई सेयर गर्नुहोस्। अहम् घमण्ड हाम्रो फिक्सन डिक्सनेरीमा कहीँ पनि छैन, त्यसलाई त्याग दिनुहोस् र आगामी दिनमा साथ दिनुहोस्। के गर्नुपर्छ सल्लाह दिनुहोस्, म पनि अगाडि छु, अनजान छु, सल्लाह दिनुहोस्, सुझाव दिनुहोस्। मेरो बल बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म मेरा संस्थाका सम्पूर्ण मेम्बरहरूको साथ लिएर तपाईँहरूको हक हित र अधिकारको लागि र यो व्यवसायलाई मर्यादित बनाउनको लागि, डोन्ट फर्गेट, यो व्यवसायलाई मर्यादित इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट, यसलाई मर्यादित बनाउनु पर्छ। मेरो मात्र इच्छा होइन, तपाईँहरूको पनि हो। यसलाई हेर्ने नजर, यसलाई सोच्ने सोचमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले क्वालिटी ट्रेनिङ, क्वालिटी प्रडक्ट, क्वालिटी सर्भिस र हाइजिन यी सबै कुराहरूलाई पनि फलो गर्नुपर्छ र तपाईँहरू आफ्नो पेसालाई, आफ्नो व्यवसायलाई इज्जत दिन सिक्नुहोस्। सम्पूर्ण जनता, सम्पूर्ण राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्र क्षेत्रले इज्जत दिन्छ जो आज तपाईँहरूको सामु कमलासी छ। तपाईँहरूले मायाले पाइरहेको हो, मैले तपाईँहरूको प्यारले पाइरहेको हो। यसरी कमला श्रेष्ठ एउटा मात्रै होइन, लाखौँ ब्युटिसियनहरू कमला श्रेष्ठभन्दा धेरै अगाडि जानुहोस्, यो मेरो शुभकामना छ तपाईँहरूलाई। राजेश्वरीजी, सी इज अल्सो भेरी सिनियर, यहाँ धेरै धेरै सिनियर ब्युटिसियन दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई म मेरो आफ्नो कमला श्रेष्ठको तर्फबाट अभिनन्दन गर्न चाहन्छु र म देखिरहेछु केन्द्रका जिल्लाका धेरै साथीहरू ब्युटिसियन, अल आर माई फ्यामिली मेम्बर, यु अल आर माई चिल्ड्रेन, मेरो बच्चाहरू तपाईँहरू, यसरी मनाउँछु, यसरी मनाउँछु। यसका साथसाथै फेरि पनि मलाई यति ठुलो सम्मान, यति ठुलो मान दिनुभयो, यसको लागि चाहिँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आई डोन्ट वेस्ट द टाइम बिकज इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, तपाईँहरूलाई समय धेरै मूल्यवान छ, किनभने धेरै कुराहरू सिक्नु छ। यति राम्रो होटेलमा चिसो ठन्डा भएर सिक्न पाउनुभयो, गर्मी भए पन्नाउँदै राख्नु पर्ने थियो, त्यो धेरै राम्रो म्यानेज गरिदिनु भयो। यसको लागि अर्गनाइजरलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र रिलेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने सबैका व्यवसायसँगले जतिखेर पनि जुन कार्यक्रम गर्छ बेरिना कहिले पछि हट्दैन, सधैँभरि हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ र हामी सबै डिसिसन पनि यो कम्पनीलाई कहिले पनि पछि छोड्दैन, सधैँभरि हामी सपोर्ट गरिरहन्छौँ। र बाहिरमै जाँदा जाँदै कमला श्रेष्ठले पनि इन्स्टिच्युट जन्माएको 25 वर्ष यस राउन्डको 20 गते पुग्दैछ, तपाईँहरू सबैलाई म यही फ्लोरबाट निवेदन गर्छु र 20 गते सायन इन्स्टिच्युट 25 वर्ष पुग्दैछ र साथै मेरो किताब पनि विमोचन हुँदैछ त्यो बेलामा, पछि फेरि पनि यहाँलाई सम्पर्क राख्नलाई यही फोरबाट श्रावण 20 गते सबैजनालाई निम्ति दिइरहेको छु। थ्याङ्क यू सो मच, वान सेकेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। त्यस्तै जिल्लाबाट धेरै टाढाबाट आउनुभएको दिदीबहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना छ। आजको ट्रेनिङ सक्सेसफुल होस् र यसबाट धेरै कुराहरू सिक्ने जोड गर्नुहोस्। फोटो सेसनमा डोन्ट वेस्ट द टाइम, तपाईँहरूले सकेसम्म सिक्न आउनुभएको हो, सिक्नेतिर बढी जोड गर्नुहोस् र नोट डाउन गरिहाल्नुहोस् जे उहाँले भन्नुहुन्छ, भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। नेभर एन्डिङ ट्रेनिङ इज नेभर एन्डिङ, यसको अन्त्य नै छैन। आज 40 वर्षदेखि त म यो सिकिँदै रहेको छु, म नै स्टिल आउनु विद्यार्थी नै छु। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सुमा, सुमा धेरै हार्ड वर्क गरी हो, म अचम्म लाग्यो यो क्राउड देख्दाखेरि यो कसरी भेला पार्न सक्यो। वान सेकेन्ड सुमालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, थ्याङ्क यू। अगर बालों को फील करेगा
बाल ड्रा नहीं है, ऐसा लगेगा कि मैंने बालों पर तेल लगाया हुआ है। और ये क्यों हुआ है? जो मैंने रबिंग किया था टाइट, ये उससे हुआ है। मतलब कोई नहीं कह सकता, इनफैक्ट जब मेरा मॉडल पे मेरे पास आया था पहले, इसके बाल रफ थे, अब शाइनी नजर आ रहा। मैंने कोई कंडीशनर यूज नहीं किया, मैंने किया प्री कंडीशनर एंड एप्लीकेशन। ओए हाथों में हाथ, हेलो हेलो, कोई ताली बजाओ, हेलो हेलो, कोई ताली बजाओ, कोई मजा आ रहा है, एक बारी और है। You can just touch the hair, they are so silky, so shiny, just this one. आजको यस चाहिँ समूह देख्दाखेरि मलाई पनि धेरै पनि एकदम खुसी छु र यो पर्फर्मेन्स गर्ने जावेदजी हुनुहुन्छ इज भेरी एक्सपिरियन्स एन्ड वेल पर्फर्मर र यसको साथै उहाँ चाहिँ एकदम इन्टरटेनिङ प्लस इन्टरटेनिङ वी निड इन्टरटेनमेन्ट कुनै पनि पर्फर्मेन्स टु सिट फर लङ टाइम लङ पिरियड वी निड इन्टरटेनमेन्ट अल्सो इज इन फर अल इन वान है अल इन वान भने पनि हुन्छ थ्याङ्क यू किनभने उहाँले चाहिँ धेरै लामो अनुभव छ उहाँको चाहिँ यो सेमिनारमा म पहिला पनि आएको थिएँ अनि बिना म्याडम म थिएँ है एकदम एकदम राम्रो उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ सेमिनारमा चाहिँ पर्फर्मेन्स दिनुहुन्छ हरेक पार्टिकुलरली सानो सानो कुराको पनि उहाँले चाहिँ बुझाइदिनुहुन्छ बताइदिनुहुन्छ भेरी एक्सेलेन्ट पर्फर्मर मेरो हिसाबले चाहिँ एक्सेलेन्ट पर्फर्मर र आज चाहिँ यो जुन बेरिना कम्पनीले यत्रो ठुलो चाहिँ ग्यादरिङ गरेर जुन सेमिनार भइरहेको छ त यसको चाहिँ एडभान्टेज होइन जुन फाइदाहरू छ तपाईँहरूले राम्रोसँग लिनुहोला गफमा नलाग्नुहोस् नो साइड टपिङ होइन धेरै जस्तो मान्छे फेरि मान्छे खुसु खुसु कुरा गरिरहेको छ होइन म त अब 29 वर्षसम्म पद्मकन्या क्याम्पसको प्राध्यापक भएकोले त्यो पनि गर्ल्स क्याम्पसको प्राध्यापक भए पनि केटीहरूको नेचरहरू मलाई थाहा हुन्छ कि त्यही भएर भन्दैछु प्लिज डोन्ट मिस दिस अपर्च्युनिटी यो एउटा अपर्च्युनिटी हो यु सुड नट मिस एकछिन पनि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो गफमा नलाएर लिसन एटेन्टिभली एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् उहाँको सबै एकदम उपयुक्त छ र इट इज भेरी युजफुल बिच बिचमा जब मान्छे हँसी मजाक गर्नुहुन्छ द्याट इज अल्सो नेसेसरी किनभने मान्छेलाई चाहिँ मोनोटोनी हुँदैन त्यसले त्यो पनि राम्रो छ र म धेरै लामो भाषण गर्न चाहदिनँ र सिटिभिटीको बारेमा अलिकति भन्नुपर्दाखेरि तपाईँहरू सिटिभिटीको पनि जान्दिनु होला पहिला पहिला त कमला म्याडम म हामी चाहिँ सँगैसँगै काम गरेको हो धेरै लामो समयसम्म उहाँको पनि धेरै योगदान छ सिटिभिटीमा हामी अहिले चाहिँ 3 वर्षको जुन सेमेस्टर सिस्टम 3 लेभलको चाहिँ हामी बनाउँदैछौँ त्यो चाहिँ हामीले पहिला मिलेर कमला म्याडमसँग मिलेर हामीले बनाइसकेको हो त्यो टिआइटिआईमा तर त्यहाँ होला त्यो तर फेरि त्यसको चाहिँ केही उपलब्धि देखिएन र अहिले आएर फेरि 3 लेभलको चाहिँ बनाइरहेको छ र यो अलिक गाह्रो पनि छ र 3 वर्षको सेमेस्टर सिस्टम भएकोले बनेपामा होस्टेलमा बसेर गर्नुपर्छ र त्यसै त मान्छे लेभल 1-2 चाहिँ जाँदिनु होला म तपाईँहरूको धेरै लामो समय लिन चाहदिनँ किनभने सिक्न आउनु भएको छ हेर्नु आउनु भएको छ पैसा खर्च गरेर होइन त्यसलाई चाहिँ म मिसयुज गर्दिनँ यति भन्दै तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना दिएर धन्यवाद भन्न चाहन्छु सर्वप्रथम त म मेरा यहाँ आदरणीय मैले मान्नुपर्ने धेरै देखेको छु अगाडि ग्यासमा आसिम हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म दर्शन गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरिकन मेरा सहयात्री साथीहरूलाई
हाई हेलो भन्दै र म भन्दा साना बहिनीहरूलाई म हेलो भन्न चाहन्छु। त्यस्तै गरिकन आज यस कार्यक्रमलाई अर्गनाइज गर्ने भेरिना कम्पनीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले जुन किसिमको एउटा इज्जत दिनुभयो त्यो हाम्रो लागि ठुलो कुरो हो र उहाँको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि पर्सनली पनि म पनि जोडिएको छु किनभने मेरो इन्स्टिच्युट महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्था साई सा ब्युटी होमको चाहिँ हामीले सर्टिफिकेट डिस्ट्रिब्युट गर्ने क्रममा उहाँले मलाई सधैँ सपोर्ट गरिरहनु भएको थियो। उहाँले कहिले पनि हारेस गर्नु भएको छैन र उहाँ एउटा यस्तो कम्पनी जस्तो लाग्छ कि मलाई बेरिना यो चाहिँ ब्युटिसियनहरूसँग चाहिँ कम्पनी मात्र नभएर एउटा पारिवारिक रूपमा जानुहुन्छ र उहाँ एकदमै व्यवहारिक हुनुहुन्छ भन्ने मैले लिएको छु। स्पेसली राजेश सरलाई त्यस्तै गरिकन सुमा बहिनी उहाँले सबैलाई यसरी कोअर्डिनेट गरेर यत्रो मास जम्मा गर्नु भनेर चान्चिने कुरो होइन। त्यस्तै हाम्रो वरिष्ठ दिदीहरू अगाडि भइसिन्छ उहाँहरूसँग बसेर यसरी एक अर्काको कुरालाई आदान प्रदान गर्न पाउनु पनि सानो कुरो होइन। त्यस्तै हबिब सर आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि सायद 15 वर्ष अगाडि हायातमा भेट भएको थियो उहाँसँग 15 इयर्स अगो आपसे मुलाकात हुआ था। उस टाइम का आपका जो एनर्जेटिक जो है ना परफॉर्म आप उससे 10 गुना ज्यादा है। ओह माय गॉड, ये कहाँ से लेके आए हैं आप? सबको देखे चाहिए ये चीज, हम लोग को भी ऐसा ही होना है आफ्टर 20 इयर्स। ओके ना भन्नुहोस् त साथीभाइहरू हो। त्यस्तै गरिकन म धेरै समय लिनुहुन्न र मेरो आदरणीयहरूले भन्नुभएको कुरोलाई म रिपिट गर्दिनँ। एउटा कुरो चाहिँ रिपिट गर्छु, जस्तो म्यामले भन्नुभयो सबैमा एकता चाहिन्छ, त्यो सबभन्दा ठुलो ओखती हो। जबसम्म हामीले आफूभन्दा ठुलो आदर गर्दैनौँ, साथीहरूलाई सहयात्रीहरूलाई मिलेर जाँदैनौँ र आफूभन्दा सानोलाई पनि रेस्पेक्ट भन्ने कुरो थियो भने पाउने हो, अरूबाट मात्रै खोजेर अहिले म गमक्क फुलेर त्यहाँ बसेर उपरपट्टि लाग्नु कसैले मलाई नमस्कार गर्दैन, मैले पनि गर्न जान्नुपर्छ आफूभन्दा सानोलाई। त्यो भएर एक हातले ताली पनि बज्दैन, रोटी पनि पाक्दैन र हाम्रो सबभन्दा ठुलो गुण भनेकै हाम्रो पोजिटिभ एनर्जी हो। जब हामी काम गर्छौँ नि पार्लरमा, काम गर्ने क्रममा जबसम्म हामी पोजिटिभबाट फेसियल गर्दैनौँ, हेयर कट गर्दैनौँ, हेयर कलर गर्दैनौँ, त्यसको रिजल्ट पोजिटिभ आउँदैन। एमआर राइट सर? यस। रिक्वेस्ट गर्छु भने यहाँले यसरी केमिकलहरू ल्याएर नेपालमा भित्राउनु भएको छ होइन, यसको लागि चाहिँ यहाँले यहाँको क्लाइमेटसँग सुटेबल हुने र गुणस्तर मापन गरिएको चाहिँ ल्याइदिए बक्सुस् होइन, हामीलाई चाहिँ हाम्रो स्किन हेयरसँग चाहिँ खेलबाट नगरिदिनु होला। यति यहाँले गरिदिनु हो भने हजुरहरूको र हाम्रो सम्बन्ध कहिले पनि टुट्दैन। बेरिना भनेको सबै ब्युटिसियनको बेरिना हो, एकजनाको दुईजनाको मात्र होइन, सबैले माया गर्छ यहाँलाई। किनभने यहाँ ल्याउनु भएको जुन कुराहरू छ नयाँ कुराहरू त्यसमा पनि हामीले पनि चलाएर हेरिसकेका छौँ, अझ पनि रिक्वेस्ट हो, हामीले एउटा सचेत गराउनु त पर्यो। यति भन्दै म आज जुन एउटा रेस्पेक्ट दिनुभयो त्यसको लागि अल टिम स्पेसली जावेद सर थ्याङ्क यू सो मच सर, अनि हाम्रो सुमा बहिनी र उहाँको होल टिम, किन टिम नभइकन काम गर्दैन, हामी अगाडि देख्नेलाई मात्रै नाम लेखोले गर्छौँ, ब्याकमा कतिले काम गरिरहेको हुन्छ अङ्कित। ओके, सम्पूर्ण उहाँको होल बेरिनाको टिमलाई नै म धन्यवाद दिँदै यहाँ सम्पूर्ण साथीहरूबाट र मेरो आदरणीय जीवहरूबाट बिदा चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। 25 वर्षदेखि नेपालमा आएको कस्मेटिक प्रडक्ट हो, यसमा चाहिँ अहिले अब जो ब्रान्ड अलिकति बढी चल्छ त्यसलाई चाइनाले अलिक कपी गर्छ त्यो देखिहाल्नु भएको छ। बेरिनाको प्रडक्ट सबै राम्रो छ, ओरिजिनल लिनुहोस्, त्यसको लागि तपाईँहरूसँग हामी कोअर्डिनेट गरि नै हाल्छौँ, तर ओरिजिनल चिनेर मात्रै युज गर्नु, त्यसमा कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन, यो चाहिँ पक्का। त्यसको लागि म छु, बेरिनामा पनि छ, सधैँभरि तपाईँको साथमा नै छ। मिना केसी अल ब्युटी केयर भैँसी पार्टी आजको यस बेरिनाले गरेको जुन कार्यक्रम छ सेमिनार, वान डे सेमिनार, यसमा जुन हामीलाई हरेक नयाँ कुराहरू दिएर सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई यहाँ उपस्थित गराएर जुन एउटा नयाँ नयाँ टेक्निकहरू सिकाउनु भएको छ यसको लागि जावेद सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र म आफ्नो पर्सनल कुरा, 20 वर्ष 25 वर्षदेखि यस व्यवसायमा आबद्ध भएर मैले जुन कुरा सिक्न पाएँ र जुन कुराहरू यहाँ गर्दै आएका छौँ यी यी कुराहरूमा अबका दिनहरूमा हामी हाम्रा सम्पूर्ण ब्युटिसियन दिदीबहिनीहरू मिलेर हाम्रा आउने पिँढीहरूले अबका दिनमा
स्कूल लेवल देखि नै हाम्रो यो ब्युटी व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सकौँ र हामी सिनियर दिदीहरूलाई एकदमै यसको लागि अग्रसर हुन पनि आग्रह गर्दछु र हामी पनि यसमा लागि पर्नेछौँ र विशेष गरी समुद्री कला व्यवसाय सङ्घको पहिलो ब्राइडल कम्पिटिसनमा राजेशजीसँग राजेशदाई भन्नुभएको पनि अहिले पनि दाई नै हुनुहुन्छ तर मैले एकछिन भनेर गरेँ र उहाँलाई हामीले एउटा के भन्न गएको थियौँ भने हामी प्रोग्राम गर्दैछौँ सपोर्ट गर्न पऱ्यो भनेर भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो मलाई बेनिफिट के त भनेर सोध्नुभएको है सम्झिनु भयो बिर्सिनुभयो तर आज म हेर्दैछु समुद्री कला व्यवसाय सङ्घका जुन आज जिल्ला जिल्लाबाट केन्द्रबाट सम्पूर्ण यो उपस्थित देख्दा बेनिफिट के हो है अनि पहिलो कुरा मैले के गरेँ भने त्यहाँनिर जुन हामीले कलर युज गरेको थियौँ सबभन्दा पहिला मैले युज गरेको मेरो आफ्नो ब्युटीको चाहिँ कार्यक्रम जुन मैले सञ्चालन गरेँ त्यसपछि पहिलो कलर नै मैले बेलिना युज गरेको थिएँ त्यतिखेर हामी बेलिना पनि नभनेर बर्गन्डी 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 कोको कला कलर भनेर युज गरिरहेको थियौँ अनि अहिले पनि कतिपय दिदीबहिनीहरूलाई देखिरहेको छु कि तपाईँले कुन कलर हाल्नुभएको भन्दाखेरि उहाँहरूले कलर चाहिँ कुन कम्पनी हाल्नुभएको छैन तर बर्गन्डी कलर हाल्नुभयो कि बेलिना हाले भन्नुहुन्छ कि धेरै यस्तो कुराहरू देखिरहेको छु र म धेरै बोल्न चाहन्न जुन हाम्रो म्यामले राष्ट्रिमान हाम्रो अध्यक्षजी हुनुहुन्छ उहाँले पनि धेरै कुराहरू यहाँहरूलाई सेयर गरेर गइसक्नु भएको छ र आगामी दिनमा यही ब्युटी व्यवसायको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै जुन सुमा बहिनीले हामीलाई स्थान दिनुभएको छ यहाँ गरेर हामीलाई बोलाउनु भएको छ यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै जाँदैछ तपाईँ मान्छेको धन्यवाद र सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद दिँदै बिराउन चाहन्छु धन्यवाद मिना देउमाने सेरोन ब्युटी पार्लर जामाले उहाँ ललितपुर ब्युटिसियन एसोसिएसनका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु यहीँबाट हाम्रो बेरिका कम्पनी बढाउनुहुन्छ सुमाजी सबैजनाको सहकार्यबाट खोलिएको पनि सहकारी हो यहाँ सहकारीका टिमहरू पनि आउनु भएको छ आज मैले उहाँलाई उभिन विनम्र अनुरोध गर्दछु हाम्रो उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ सुजाता तामाङ भूमि रिमाल गैरे मैले उहाँलाई चिनाउन चाहेको थिएँ यो नेपालमा पहिलोपटक हो कतिजनालाई थाहा छ यहाँ मैले देखिरहेको छु उहाँ मेम्बर हुनुभएको छ मैले यो जानकारी मात्रै दिएको हो मेरो आदरणीय गुरु कान समाउँछु कमला श्रेष्ठ म्याम हाम्रो अगाडि होसिन्छ म उहाँको चेली पनि हो आज गर्वका साथ भन्न सक्छु उहाँको चेली भएर उहाँको हातबाट शिक्षा दीक्षा पाएर आज म यति सक्षम भएकी छु हाम्रो ललित ब्युटिसियन बहादुर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले सामाजिक काम गर्दै आएको छ है त्यसमा चाहिँ पहिलोपटक हामीले चितलाङमा सौन्दर्य शिविर भनेर हामीले आयोजना गरेका थियौँ त्यो आयोजनामा हेयर कलर फ्री थियो चार वर्षदेखि 95 वर्षको आमाहरूलाई हामीले हेयर कलर लगाएका थियौँ त्यो टाइममा मेरो एक शब्द सुमाजीको कानमा परेको थियो हामीले यो काम गर्न जाँदैछौँ सुमाजी मलाई चाहिँ बेरिना कलरले एकचोटि सपोर्ट गरिदियो भने सहयोग गरिदियो भने त्यो काम चाहिँ म गर्न सफल हुन्थेँ भनेर उहाँलाई प्रपोज राख्दाखेरि उहाँले आँखा चिम्लेर केही पनि बार्गेनिङ नगरिकन अघि यहाँ भन्नुभयो बार्गेनिङ भएको थियो भनेर मसँग त्यस्तो केही बार्गेनिङ नगरिकन सोसियल कजको लागि जति चाहिन्छ कलर उहाँले प्याक गरेर पठाइदिनु भएको साथसाथै उहाँले पैसा पनि पठाइदिनु भएको थियो किनकि त्यो कार्यक्रम सफल गर्नका लागि हामीसँग ठुलो एउटा जम्बो टिम थियो कलाकार दिपाश्री बेहोलादेखि लिएर पत्रकार सबैको टिम एउटा गएको थियो त्यो टिमको खर्च पनि बेहोर्नु पर्ने थियो त्यसको लागि पनि उहाँले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो थ्याङ्क यू सुमाजी म यहाँलाई रिटेली धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि उहाँ त्यहाँ आउनु भएको थिएन मैले थ्याङ्क भन्न पाइरहेको थिएन आज अवश्य पाएँ थ्याङ्क यू सो मच र आज जुन यो इज्जत दिनुभएको छ यो सम्पूर्ण हामी ब्युटिसियनका लागि हौँ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार श्रेष्ठ बहिनी कस्तो लाग्यो एउटा काम गर्नु थ्याङ्क यू सो मच फर्स्ट अफ अल सुमालाई धेरै धेरै धन्यवाद यो प्रोग्राम अर्गनाइज गरेर हामी ब्युटिसियन सबैलाई नयाँ कुरा सिक्ने मौका दिनुभएकोमा र मेरो गुरु जावेद सर त्यस्तै गरी कर्ण सन्जु सर विगत 12 वर्ष अगाडि पनि मैले हबिब इन्स्टिट्युटमा हेयर कटिङको स्पेसियल क्लास लिएको थिएँ जस्तै गर्दाखेरि म उहाँहरू स्टुडेन्ट भन्न प्राउड फिल गर्छु सो उहाँहरूको लागि जोरदार छ
र मेरो अगाडि हुनुभएको मेरो गुरु डाक्टर राजेश्री श्रेष्ठ जसले मलाई जहिले पनि इन्सपायर गर्नुहुन्छ उहाँसँग सिकेर म पनि आज एउटा सिटिभिटीमा केही पोस्टमा छु त्यसको लागि म उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यस्तै गरिकन कमला दिवसमा जसले मलाई एकदम पछाडिबाट जहिले सपोर्ट गर्नुहुन्छ र उहाँसँग आज वास्तवमा आउँदा एकदमै एकदमै खुसी लागेको छ थ्याङ्क यू म्याम र सम्पूर्ण ब्युटिसियनहरूलाई आज यहाँ बसेर केही सिक्ने र मेरो स्टुडेन्टहरू पनि केही सिक्न आउनुभएकोमा वेदिनालाई फेरि एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सर्वप्रथम सबै सिनियर दिजुहरूले भनिसक्नुभयो यहाँका कता बस्छु होइन म धेरै भन्न चाहन्न ब्युटिसियन सिनियर दिजुहरूलाई नमस्कार अनि बेनिया कम्पनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र अहिले टिच गरिरहनु भएका ह्यान्डसम साउथ एसियाकै टप अफ द सालन चलाउने हेड रेसर हबिबजीलाई हिरो भन्छु म त उहाँ त हाम्रो सालनकै हिरो मनी कसरी गर्नुपर्छ भनेर उहाँलाई उहाँबाट हामीले सिक्न सक्छौँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ यहाँ खालि खुट्टा तान्ने मात्रै प्रवृत्ति छ तलको लागि माथि लाने प्रवृत्ति छैन माथिका मान्छे मात्रै माथि लाने प्रवृत्ति यस कारणले म के भन्न चाहन्छु सिनियर दिदीहरू सिनियर मभन्दा पनि सिनियर र एसोसिएसन चलाइरहनु भएको दिदीहरूलाई चाहिँ म आज फोरबाट भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले समेट्नु पऱ्यो यसै गरेर जानु उहाँले जसरी ट्रेनिङ दिइरहनु भएको छ त्यसरी आफ्नो तपाईँले सिकाउने कि खुट्टा तान्ने हामीले त यहाँ के छ भने मैले भएको कुरा भन्छु मैले विराजमा कहाँ सेमिनार जिल्लाभरिमा त मलाई सेमिनार रोक्न पनि पठाइयो मैले भएको कुरा भन्छु म अहिले सेमिनार गर्न पाउने कि नपाउने त्यस कारण चाहिँ म अलिकति हाम्रो चाहिँ प्राउड लेभल कम गरौँ नेपालमा ब्युटिसियन चाहिँ एकदमै धेरै खेती भइरहेको छ कृषि र उसको सँगसँगै त्यस कारण हामीले चाहिँ विदेश जानुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ र हामीले विदेश जानुपर्ने बाध्यता पठाउँ जानुपर्ने मान्छेहरूलाई पनि राम्रो गाइड गरौँ जुनियरलाई राम्रोसँगले गाइड गऱ्यो भने मात्रै हामी सायद फस्टाउँछौँ र यस्तो कम्पनी जहाँ पुरानो कम्पनी छ भेरिनालाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने भेरिनाको चाहिँ मैले पनि म कहिले पनि फ्यान हो म 25 वर्ष पुरानो पनि भइसकेको छु र यो भेरिना कम्पनीले चाहिँ मार्केटिङ अलि राम्रो गरेन कि जस्तो लाग्छ धेरै चाहिँ धेरै डुप्लिकेट आइरहेको छ उहाँले मार्केटिङ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ ओरिजिनल हो भनेर विक्रेता कहाँ जस्तो जिल्ला जिल्लामा पठाउने र न्युरोडमा होलसेल छन् भने को कोलाई चाहिँ दिने यहाँ हाम्रो चाहिँ यो विक्रेता कहाँ मात्रै हाम्रो चाहिँ ओरिजिनल छ भनेर उहाँले पोइन्ट आउट गरिदिनु भयो भने सायद हामीले भेरिना बाइकहरूको कम्पनी चलाउँदैनौँ मेरो पनि यहाँ असाध्यै नै राम्रो प्रडक्ट लाग्छ मलाई आज भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ यही नै हो साथीहरू हामी चाहिँ एकदम सिक्नेमा हबिबजी जस्तो सधैँ सदाबहार खुस हुने सधैँ हाँस्ने हल्काको रिस नगर्ने अरूलाई चाहिँ सिकाउनेपट्टि नै लाग्यो भने सिक्ने र सिकाउनेपट्टि लाग्यो भने सायद हामी उभो राख्नेछौँ र हामी ओरिजिनल प्रडक्ट पनि हामीले चाहिँ चिन्ने र चिनाउने पनि गरौँ जे पनि प्रडक्टले एडभर्टाइज हामी नगरौँ हाम्रो सिनियरलाई दिदीहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने जे पनि एडभर्टाइज गर्नु त हामी फलो गर्छौँ अनि हामीलाई चाहिँ दिइरहेको छ त्यस कारणले ओरिजिनल राम्रो कम्पनी मात्रै ल्याऊ चाइनाले धेरै नराम्रो कम्पनीहरू ल्याइरहेको छ ओरिजिनल ल्याएको छैन डुप्लिकेट ल्याएको छ त्यसलाई तिरस्कार गर्ने कि नगर्ने त्यसलाई एउटा कानुन बनाउने कि नबनाउने यसमा सिनियर दिजुलाई कमला दिजु राजनीति दिजुहरूलाई म के भन्न चाहन्छु योपट्टि पनि हामीले लाग्नु जरुरी छ क्लाइन्ट अनुहार सबै खुलिसके कपाल खुलिएर केही छैन हामी कहाँ छौँ हामी कहाँ छौँ खालि हामी डुप्लिकेट अनुमति मलाई आज एकदमै खुसी लाग्छ एकदम त्यही ठाउँमा सँगै हात समाएर धागो खेलाएर धागो सिकाएको ब्युटिसियनहरू पनि सँगै छौँ हामी उहाँ
सम्म पनि र आफूभन्दा सिनियरसम्म पनि हुन त मैले नेपालमा औपचारिक बिटिसिएनको कोर्स लिएको पनि छैन म अझै पनि सिक्ने स्टुडेन्ट नै छु म यहाँलाई झुटो बोल्दिनँ म स्टुडेन्ट नै हो बिटिसिएनको म यस फिल्डमा लागेको करिब 16 वर्ष मात्रै भएको छ तर म स्टुडेन्ट नै छु अहिले पनि म सिक्दैछु अझै पनि सिक्नुपर्ने कुरा धेरै छ धेरै कुराहरू यहाँ सिनियर डिभिजनहरूबाट थाहा भइसकेको छ बुझिसक्नु भएको छ र अहिले आएर सबैजना यसमा बुझ्ने जान्ने पनि हुनुहुन्छ हामीलाई यस्ता राम्रा खालका कलर प्रडक्टहरू उपलब्ध भएमा हाम्रो यस फिल्डलाई अगाडि जानलाई पक्कै पनि हौसला मिल्नेछ हाम्रो यस शरीरमा हाम्रो पालामा हाम्रो चेष्टालाई अगाडि बढाउँदैछौँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि हामी नराइकन तरिकाले पनि अगाडि बढ्नेछौँ यसैले म के भन्छु भने साथीहरू सिनियरबाट पनि माया होस् जुनियरलाई पनि सँगसँगै लैजाउँ एउटै फिल्ड हाम्रो हामीलाई एउटै बगैँचाका फुल हो आज भन्नुभएको छ मैले बारम्बार गएर तपाईँ किन पछाडि बिचमा बसिरहनु भएको छ म्याम अगाडि आउनु सघाएर हामी मलाई के लाग्यो भन्दा बगैँचा त के हो बगैँचाको बिचमा बस्नु मौका भएको म त बगैँचामा बस्न कहाँ जिन्दगी जस्तो बगैँचाभित्र थियो किसी ने बुक
लिया, बुक लिया, कटिंग शीट लिया, उसे साइन करा लेना 20 में 20 में प्लीज है। हमारे बाल हो जाते हैं साफ, हमारे बाल हो जाएंगे साफ। नंबर टू, हमारे बाल जल्दी कटेंगे, हमारे बाल जल्दी कटेंगे। नंबर थ्री, हमारे बाल अच्छे कटेंगे, हमारे बाल अच्छे कटेंगे। लेकिन लोग शैंपू क्यों नहीं कराते? वो सोचते हैं कि आप इसका एक्स्ट्रा चार्ज करोगे, तो आप लोग क्या करो, शैंपू कराओ या ना कराओ, सेम प्राइस। किसी ने पूछा मुझसे अभी लंच में कि मेरा व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है, वो इंडिया का नंबर था, तो आपको डालना पड़ेगा 0091 एंड देन द नंबर 9811027096। तो आपको इंडिया का कोड डालना पड़ेगा इसके अंदर पहले। अरे बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो इंडियन नंबर है ना, आपको पहले कोड डालना। सो शैंपू कराओ या ना कराओ, सेम प्राइस। इससे क्या होगा, आपके काम में स्टैंडर्ड आ जाएगा। तो बिना शैंपू के बाल मत काटना। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत जरूरी है। वाई सेंटर पार्टिंग? बालों को बैलेंस काटने के लिए। मतलब अगर आपने बाल काटे फ्रॉम सेंटर पार्टिंग, आप इधर करो, आप इधर करो, बैलेंस कट। लेकिन अगर आप लोगों ने कट किया फ्रॉम साइड पार्टिंग, अगर आपने पार्टिंग चेंज करने की कोशिश की, लंबा छोटा। सो फॉर अ बैलेंस कट, सेंटर पार्टिंग इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग बाल काटते हैं सेक्शंस के ऊपर, हम लोग बाल काटते हैं सेक्शंस के ऊपर। सबसे पहला सेक्शन हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब सीधी लाइन। नेक्स्ट पॉइंट, लाइटनर, जस्ट वॉच है, इसका मतलब टेढ़ी लाइन। थर्ड वन, वर्टिकल, इसका मतलब सीधी लाइन। मतलब पूरी हेयर ड्रेसिंग या तो ऐसे होगी, या ऐसे होगी, या ऐसे होगी। और वाई सेक्शन, बालों को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग सुबह से बोल रहे हैं, मुंडी आगे। ओके, मुंडी आगे। इसको हम लोग कहते हैं टेक्निकली टिल्टेड हेड। जब मैंने मुंडी आगे की, इसको हम लोग कहते हैं टिल्टेड हेड। व्हाई टिल्टेड हेड? हमारे बाल प्रॉपर एंगल में कटेंगे, इसको समझते हैं। इमेजिन ये हमारा
Yamari handshake. जब भी मैं बाल नीचे गिरा के काटूंगा, इसका मतलब 0 degree. No steps. इसका मतलब no layers. इसका मतलब no movement. इसका मतलब no lift. इसका मतलब no bounce. इसका मतलब no graduation. इसका मतलब no elevation. इसका मतलब no flow. देखा कितने सारे वर्ड हो गए ये, और हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, स्टेप कट, नहीं, हमें इसमें नाम डाल रहे हैं. लेकिन जैसे मैंने बालों को बाउंस किया, सो 0 degree के ऊपर ऑल फ्लैट, 90 degree के ऊपर मैक्सिमम बाउंस. और जैसे मैंने इसको और आगे लेके गया ऑन 180 degree, इसको हम लोग कहते हैं मिनिमम. और ये जो सिस्टम है इसको मैंने नाम दिया है कटिंग साइंस या एंगल सिस्टम. तो ये समझ आ गया, आपका दिमाग बालों का कंप्यूटर बन जाएगा. हमें ये सीखना है. हम लोग बाल काटना शुरू कर रहे हैं. हमारे बेस क्या है, सबसे पहले शैंपू, बिना शैंपू के बाल मत काटना. नंबर 2 सेंटर पार्टिंग, ताकि हमारा कट बैलेंस हो जाए. नंबर 3 सेक्शन, ताकि हम बालों को कंट्रोल कर पाए. एंड नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट, मुंडिया. वो क्यों, ताकि हमारे बालों को ना प्रॉब्लम. इसको हम लोग कहते हैं बाल काटने की साइंस या कटिंग एंगल. कोई और जिसके इतने लंबे बाल हैं, जिसके इतने लंबे बाल हैं, स्टेप नाउ. जिसके अंदर छोटे काट दूं तो ज्यादा जगह नहीं चाहिए बैठने की, आराम से बैठ जाते हैं. पर सिर लगा ले. हम लोग बाल काटना शुरू कर रहे हैं. बाल काटना एक तरह का बालों का रोमांस है. स्ट्रेटनिंग बोरिंग, कलर बोरिंग, बाल काटना रोमांस है कि हमें इन बालों को काटना है. तो पहले कैंची मार लेते हैं और हम लोग क्लाइंट से अब बात करेंगे कितने छोटे कटाने. सबसे पहले ये जो फील है ना हमारी, सबसे इंपॉर्टेंट है. ये फील आपको बताएगी क्लाइंट की पर्सनैलिटी. सच्ची बता रहा हूं, आपका बताएगा फेस, माथा, नाक, आपके बाल. आपको शीशा देखने की जरूरत नहीं है, हमें फील करना है. देखो जस्ट वॉच दिस, फेस कैसा, नाक कैसा, माथा कैसा, बाल कैसे. मतलब मैं सोचता हूं कि हेड सर का जो स्ट्रेंथ है ना, उसका ये हाथ. ओके, लेट्स वॉच सेंटर पार्टी. Let's watch this. अगर ये समझ आ गया आपको, बाल काटना समझ आ जाएगा. 5 मिनट के लिए इसको देखते हैं ध्यान से.
सबसे पहला पॉइंट मुंडी और फिर धक्का मार के मतलब मुंडी आराम आराम से। आज जब आप लोग घर जाओगे शाम को, सुन लो, बाइक चलाते हुए मुंडी आगे, बस में जाते हुए मुंडी आगे, रात को खाना बनाते हुए मुंडी आगे, और सुबह बाथरूम में जाते हुए मुंडी आगे। सेक्शन वन, सेक्शन टू, सेक्शन थ्री, इसको देखते हैं। देखा कितना सिंपल एड्रेसिंग हो गया, नो क्लिप इन माई कटिंग, नो क्लिप एट ऑल, ओनली प्रॉपर सेक्शनिंग। सारे बालों को लेते हैं, सारे बालों को लेते हैं। अगर शैंपू किया होता ना, हमारे बाल ऐसे नहीं होते। हमें शैंपू करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ओके, लेट्स वॉच सॉफ्ट हैंड। सी, ये कंट्रोलिंग पावर है हमारी हैंड जैसे वर्ड की। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्या है सालों के अंदर? हमारा सबसे बड़ा, जो हमारा हेडिसिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? शीशा। क्योंकि आपका क्लाइंट आपको देख रहा है शीशे के अंदर और आपको घूर रहा है, आप डर जाते हो। सच्ची बता रहा हूं, क्योंकि उसकी जो आंखें चल रही है ना, आपको डरा रहा है। तो जैसे आपने उसकी मुंडी नीचे की, शीशा पड़ो। देखा मुंडी नीचे करने के कितने फायदे। वी डोंट नीड मिरर इन ए सैलून, हमें चाहिए सिर्फ ये सॉफ्ट हैंड। सेम प्रोसीजर, लेट्स वॉच दिस। और जब भी बाल काटोगे, फिंगर की डायरेक्शन स्केल, मैंने इसको नीचे किया लंबा पीस, मैंने इसको ऊपर किया छोटा पीस। हम लोग सारे क्या करते हैं, उंगली मोड़ के बाल काटते हैं, तुक्का कटिंग। उसमें क्या होता है कि आपका जो कट है अच्छा लगता है रुड़ाई की वजह से, लेकिन जैसे वॉश करेंगे ना, चूहे निकल जाएंगे। तो प्लीज ये उंगली मोड़ने का ये सिस्टम है, इसको खत्म करो। यूज करते हैं स्केल। अगर आप लोगों को ये स्केलिंग समझ आ गया ना, आपको बाल काटना समझ आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम थिंग, कुंडी बिल्कुल बॉडी के साथ, फिंगर की डायरेक्शन स्ट्रेट। कोई सेक्शन लिया मैंने, कितने मोटे बाल हैं, तब भी मैंने कंट्रोल किया। और मैंने कंट्रोल क्यों किया, इसकी वजह से मैंने कंट्रोल क्यों किया, बिकॉज मेरे थंब में पावर है। चाहे जैसे कैंची हो, अगर इसमें पावर होगी ना, बाल कटेगा। अगर इसमें पावर नहीं होगी, कैंची स्लिप हो जाएगी। तो हमें इसमें पावर चाहिए। अब मुझे इसको फॉलो कराना है इधर, फॉलो कराना है इधर। सो सेंटर पार्टी, इसको देख लो प्लीज, है सेंटर पार्टी और मुंडी। जहां मेरा बाल गिर रहा है, इसको ऐसे ही काटना है, इसको देखते हैं। पर भी जब भी बाल काटते हो, आपके बालों में एंगल आ रहा है, आपकी बॉडी में एंगल आ रहा है। ये नहीं कि आपने बाल ऐसे काट दिए, प्लीज है, जैसा एंगल बालों का ऐसा बॉडी का एंगल होना चाहिए। सेम सीजर, बिल्कुल बॉडी के साथ, फिंगर की डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट। कोई चेक भी नहीं करना, हम लोग चेक करते हैं इक्वल है क्या, बिकॉज अगर मुझे अपने स्केल पे कंट्रोल है, मेरे बालों पे कंट्रोल है। मतलब दो सेक्शन मेरे 40% बाल कट गए, और मैंने कोई क्लिप यूज नहीं किया, और मेरे बाल किसी ने नहीं पकड़े, मैं अकेला बाल काट पाऊ। लेट्स कम टू सेक्शन नंबर थ्री। देखा मैंने बालों को शैंपू नहीं किया, कैन यू सी दिस? अगर शैंपू करते ये नहीं होता। सेम सीजन, कहां काटेंगे, जहां मेरे बाल गिर रहे हैं, और फिंगर की डायरेक्शन स्ट्रेट। का कोई टिल्ट नहीं है, इमेजिन दिस, टिल्ट करोगे
बाल छोटे बड़े हो जाएंगे। तो ये मैंने पीछे के बाल का एक स्ट्रेट लाइन है। अब क्लाइंट कहता मुझे मुझे चाहिए यू शेप, इज़न्ट इट? हमारा इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको यू शेप चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, उंगली मोड़ते हैं, इज़न्ट इट? हम अब इसका आप लोगों का तरीका दिखाता हूं। तो जो मेरा बॉक्स नंबर वन था वो बिल्कुल सेम करेगा, लेकिन जो बॉक्स नंबर टू होगा जब सात चक्कर हो जाए मुझे बता दो पूरा क्या कर रही है, इसको उतार रहे अब आप जिसकी आप पूजा करते हैं अब उसी के चक्कर काटोगे ना। तो मैं तो बालों की पूजा करता हूं, तो बालों का चक्कर काट लेता हूं। Let's watch you shape, ध्यान से देखो प्लीज। आपने कभी घड़ी की सुइयां देखी है, घड़ी का पेंडुलम देखा है? Let's watch this। बाल करते फोल्ड करते करते बालों को खींचो शोल्डर के ऊपर, देखा घड़ी की सुई कैसे चल रही है, मतलब अभी भी मेरे बाल काटने के लिए मेरी फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है पर मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी। सो घड़ी की जो सुई है या पेंडुलम है उसको दिमाग में। सो स्ट्रेट बालों के लिए ये यहां कटेगा, ये यहां कटेगा, यू शेप के लिए ये यहां कटेगा, ये यहां कटेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब मैं आता हूं साइड वाले पीस के ऊपर, इसको देख लो, इसको समझ लो प्लीज। है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नाउ। तो पीछे के बालों के लिए मुंडी, साइड के बालों के लिए मुंडी, जस्ट वॉच। देखा मुंडी का रोल कितना स्ट्रॉन्ग है, आपने क्लाइंट को हिप्नोटाइज कर दिया, सबसे इंपॉर्टेंट। अब मेरा सेक्शन नंबर फोर, कान के ऊपर देखो कैसे कुछ बाल पीछे कुछ बाल आगे, कुछ बाल पीछे कुछ बाल आगे। कोई क्लिप यूज किया मैंने और बाल कितने कंट्रोल में चल रहे हैं मेरे, हैं मुंडी 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 मुंडी। ये पीस कहां कटेगा, ये पीस कटेगा शोल्डर के आगे। यू नो व्हाई, जिसके भी लंबे बाल होते हैं उसको यहां पर कर्व पसंद है, और वो कर्व कैसे आएगा जब ये आगे कटेगा। देख देख सेम प्रोसीजर, ये देखो ये देखो, और फिंगर की डायरेक्शन जस्ट वॉच। कैन यू सी दिस, कैन यू सी दिस, फिंगर की डायरेक्शन बिल्कुल सेम चल रही है, सिर्फ मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं अपनी, लेकिन फिंगर की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। सो वन टू थ्री फोर, नाउ सेक्शन नंबर फाइव। अगर आप बाल अच्छे चाहते हो बालों को शैम्पू करो, और शैम्पू से पहले क्या करोगे, माय डियर जब तक हम लोग सारे जिंदा हैं बाल टूटेगा नहीं। और मुझसे पूछोगे शैम्पू में तो केमिकल होता है, मैं कहता हूं टूथपेस्ट में केमिकल होता है, कभी किसी का दांत नहीं टूटता। साबुन में केमिकल होता है, कभी किसी की आईब्रो नहीं की। इसका मतलब क्या है कि जितना बाल हमारा साफ होगा हमारा बाल इतना ग्रो करेगा। तो अच्छे बालों का आंसर क्या है, रोज शैम्पू करना सीखो पर तेल लगा के एज ए प्री कंडीशनर। तो शैम्पू के बाद कुछ नहीं करेंगे। सेक्शन नंबर फाइव, लेट्स वॉच दिस। ये कहां कटेगा, शोल्डर के आगे, और फिंगर की डायरेक्शन स्ट्रेट, सी स्ट्रेटर। सो मैंने पीछे काटा, साइड में काटा, साइड में काटा, अब मेरी डायरेक्शन नंबर थ्री एक्सैक्टली सेम। ये पीस कहां कटेगा, शोल्डर के आगे। अच्छा लगेगा, गारंटी दे रहा हूं, बोलेगा भी नहीं। लेट्स वॉच दिस, शोल्डर के आगे। कैन यू सी दिस, मैंने क्या किया, लेट्स वॉच, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइक ए स्केल। मैं हमेशा कहता हूं वेट इसकी जादू है, जिस हाथों में जादू होना चाहिए हमारे बालों में शेप आ जाएगा।
मुंडी हाँ मुंडी 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 देखा अगर शैम्पू करते ये नहीं होता सेम प्रोसीजर कहां कटेगा शोल्डर के आगे फिंगर की डायरेक्शन स्ट्रेट अब सुनते हैं पीछे के बाल काटे साइड के बाल अब सबसे मुश्किल मेरा आगे वाला पीस और इसके लिए मैं कहां खड़ा हो जाऊंगा बिल्कुल नाक के ऊपर इसको साइड के बाल खड़े होकर मत काटो इसको काटो नाक के ऊपर सो क्राउन टू क्राउन जस्ट वॉच क्राउन टू क्राउन इसको सीख लो प्लीज है अच्छा फायदा सीखने के लिए ये सीख लेना अच्छे स्टेप करने के लिए ये सीख लेना नाक पे खड़े हो जाओ तो जैसा मेरा बॉक्स का एरिया ऐसे आगे मुंडी बिल्कुल नॉर्मल हमें इसको टिल्ट नहीं करना है सारे के सारे बालों को ले लेते हैं ध्यान से देखो प्लीज है ये कटेगा नाक के ऊपर और ये टच नहीं करना चाहिए फोरहेड को अगर फोरहेड को टच करेगा मेरे बालों में वेव आएगा हमें बालों को सीधा काटना है बालों को लिया Let's watch. तो जैसे मैंने बाल पीछे काटे ऐसे बाल मेरे आगे कटेंगे दोबारा देखते हैं Just watch. फिंगर की डायरेक्शन स्ट्रेट तो पीछे सीधे साइड में सीधे अब मेरे बचते हैं सबसे मुश्किल दो सेक्शन मैं कह रहा हूं कि मुझे बालों को सीधा काटना है लेकिन मेरे बाल ऐसे गिर रहे हैं अब इसको सीधा कैसे करूंगा मैंने ली सेंट्रल पार्टी इसको देखते दिस इज इंपॉर्टेंट है सारे के सारे बाल ले लो देखा मैं क्या कर रहा हूं मैंने इसको जैसे ही कोम किया नाक के ऊपर नाक सीधा हो गया मैंने कोई उंगली कहीं नहीं मोड़ी है फिंगर की डायरेक्शन स्ट्रेट देखा कितना अच्छा हुआ क्या किया मैंने इसको जैसे मैंने इसको नाक पे खींचा स्ट्रेट सो पीछे के बाल सीधे साइड के बाल सीधे फ्रंट के बाल सीधे इजी हो गया नाउ सेक्शन नंबर 10 इसको देख लेते हैं प्लीज है सेक्शन नंबर 10 देखा अगर शैम्पू करते हमें ये नहीं करना पड़ता फिंगर की डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेटर और काटा सो मैंने क्या क्रिएट किया देख लो मेरा फोन है मैंने क्रिएट किया पीछे की लाइन मैंने क्रिएट किया साइड की लाइन और मैंने क्रिएट की फ्रंट की लाइन बट मेरा चौकटा राउंड है मेरा फेस राउंड नजर आएगा लेकिन जो मैंने टेक्निक फॉलो की है उसका नाम है स्क्वायर कट तो अगर आप लोगों को स्क्वायर कट आ गया ब्लंट आ गया स्क्वायर आ गया फेदर आ गया स्क्वायर आ गया मशरूम आ गया स्क्वायर आ गया स्टेप आ गया आई थिंक दिस इज सो इंपॉर्टेंट इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर पेस अब इसको ड्राई करने का तरीका देखते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा इसको मॉडिफाई कैसे करना है एक्सेक्टिव से जैसे मैं सुबह किया है चलो मॉडल चलो
सेम प्रोसीजर हम बालों की लेंथ बिल्कुल छोटा नहीं करेंगे. एग्जैक्टली सेम जस्ट वॉच दिस. नरेंद्र काटे चाहे संजू काटे, हम बाल काटते हुए सिर्फ थंब यूज करते हैं, उंगलियां यूज नहीं करते. इसी वजह से हमारा कट बहुत शार्प होता है. तो ये ऐसे नहीं चलानी, हमें ग्लू चलानी. इसकी प्रैक्टिस करो. आगे वाला पीस हमेशा आगे कटेगा. सेम प्रोसीजर आगे वाला पीस हमेशा आगे कटेगा. अब इसमें हम लोग स्टेप कैसे डालते हैं इसको देखिए प्लीज. दिस इज इंटरेस्टिंग. अभी तक क्या था, पहले वाले कट के अंदर मेरा जो सेक्शन था वो था कान के ऊपर. जब मैं स्टेप करूंगा मेरा सेक्शन चेंज हो जाएगा. इसको देख लो, ये सेक्शन जाएगा कान के पीछे. देखा कान के पीछे, पहले कहां था, पहले यहां था ये, अब ये चौड़ा हो गया कान के पीछे. इसको देखते हैं, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग. तो मैंने क्या किया, मैंने बालों में बना दिया ए शेप. और सारे बाल आगे आ जाएंगे. मुंडी स्ट्रेटर. इसको देखो यार, इसको देखो, दिस इज नाइस इंटरेस्टिंग फॉर यू. फिंगर की डायरेक्शन स्टेप इतना छोटा करना है, ये आप पे डिपेंड करेगा. Watch this. सारे बाल कहां जाएंगे, हमारे सारे बाल जाएंगे दोबारा नाक के ऊपर. देखा सारे बाल कहां जा रहे हैं, नाक के ऊपर. फिंगर की डायरेक्शन स्टेटर. सारे बाल हमारे कहां जाएंगे, नाक के ऊपर. जस्ट वॉच दिस. अब मैं आपको सिखा रहा हूं बालों में स्टेप कैसे डालते हैं. एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, ऑल ओवर स्टेप. एग्जैक्टली सेम कट. एग्जैक्टली सेम. जस्ट वॉच, सारे बाल कहां जा रहे हैं, नाक के ऊपर. सेम प्रोसीजर. अब
देखते हैं जादू। क्लाइन कहता है, पहले मैं आपको सिखाऊंगा फ्लिक कैसे डालते हैं। इसको देखो, इसको देखो, दिस इज नाइस है, क्योंकि यहां जितने लोग हैं सबके फ्लिक कटे हुए हैं। फ्लिक काटने का तरीका देखते हैं, बहुत ही नया, बहुत ही मॉडर्न तरीका है। देखो मैंने क्या किया, मैंने बालों को पकड़ा। जस्ट वॉच मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। मैंने बालों को ट्विस्ट कर दिया, देखो मैंने क्या किया, मैंने बालों को ट्विस्ट किया और सारे बाल नाक के ऊपर फिंगर स्टेटर काट दिया। और जब मैं इसको कोम करूंगा, इसको देखें प्लीज, हमारा फ्रीक कैसा लगा आप लोगों को, फ्रीक दोबारा देखते हैं। मूवमेंट 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 है। पहले हम लोग फ्रीक कैसे काटते थे, पहले लाइन लगाएंगे और फिर स्टेप डालेंगे। अब एक ही सेक्शन के अंदर आपका फ्लिक कर, इस टेक्निक का नाम है ट्विस्टिंग टेक्निक। अब मैं आपको दिखाता हूं ट्विस्टिंग टेक्निक के साथ स्टेप कैसे करते हैं। इसको देख लो प्लीज है, साइड में खड़े हो जाओ, लेट्स वॉच। बालों को कोम किया, कोम करते करते पीछे आ जाओ, फिंगर स्ट्रेटर और जो छोटे बाल हैं काट दो, साइड में आओ, डिवाइड कर दो। इसमें मेरी गाइडलाइन है, दोबारा देखते हैं माय डियर, ये बहुत ही मॉडर्न टेक्निक है। हमने मैंने कोई बात किया 90 डिग्री कट, नो एंगल कटिंग है, ओनली टेक्निक कटिंग। दोबारा देखते हैं, दोबारा देखते हैं। अब मेरे बाल लंबे हैं तो मुझे पूरा ट्विस्टिंग करना है, देखो पूरा ट्विस्टिंग, पूरा ट्विस्टिंग। और जैसे ही छोटे वाले बाल आए काट देते हैं। अगर छोटे बाल हैं हाफ ट्विस्टिंग, लंबे बाल हैं फुल ट्विस्टिंग। जस्ट वॉच और काटो, वापिस आ जाओ, डिवाइड करो। ये मेरी गाइडलाइन है। सेक्शन ले लेते हैं बड़े वाले दोबारा, देखो ना दिस इज सो इंटरेस्टिंग। लेकिन साइड में खड़े होके काटो, दोबारा लेते हैं। लंबे बाल है ना, पूरा ट्विस्टिंग, देखो ना, देखो 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 हा? और जैसे ही छोटे वाले बाल हमारी गाइडलाइन आई काटो और वापिस आओ, डिवाइड करो। कोई क्लिप, इतने सारे बाल हैं, नो क्लिप है। जिस तरह मेरी सेक्शनिंग हो रही है मेरे बालों में अपना आप क्लिपिंग हो रही है। दोबारा देखते हैं, कंप्लीट ट्विस्टिंग, देखा कंप्लीट ट्विस्टिंग। जस्ट वॉच, जब मैं इसको पीछे छोड़ूंगा जब मैं इसको पीछे छोड़ूंगा जिस पॉस्टर से, देखो मेरे बालों में स्टेप कैसे आ रहे हैं, कैसा लगा, मजा आया। मैंने कोई एंगल की बात की, ओनली ट्विस्टिंग माय डियर हेटर्स इन द फ्यूचर, ओनली ट्विस्टिंग। अगर ट्विस्टिंग आ गई, बलंद आ गया, स्टेप आ गया, फ्लिक आ गया और हमारे बालों में जो होता है ना स्प्लिट एंड, वो भी निकल जाएंगे। अब मेरा बचता है साइड वाला पीस, अब मेरा साइड के पीस बचते हैं, हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। इधर के बालों के लिए इधर खड़े हो जाओ, उधर के बालों के लिए इधर खड़े हो जाओ, देखो उसको ध्यान से। मुझे इधर के बाल काटने, ये उधर खड़ा हो जाएगा, ट्विस्टिंग करेगा सब। सबसे सिंपल तरीका स्टेप काटने का, ट्विस्टिंग टेक्निक, बहुत आसान लग रहा है, इतना आसान नहीं है।
बहुत प्रैक्टिस चाहिए, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट इजी. हमारा एक एक बार में इतना इवन स्टेप आएगा, कोई चेकिंग नहीं चाहिए. सेम प्रोसीजर. कैसे लगा आप लोगों को मेरा ट्विस्टिंग टेक्निक? सिंपल है ना, जस्ट क्लास, जस्ट मैजिक. कैसे घुमाएंगे बालों को आप लोग? ये हमारा बाल काटने का सिस्टम, और कोई एंगल नहीं है प्लीज, एंगल इज फिनिश. जो मॉडर्न टेक्निक है वो है हमारी टेक्निक बेस, हमें टेक्निक बालों के लिए यूज करनी है. देखा इधर के बाल काटने के लिए उधर खड़ा हो जाएगा ताकि बाल खींचने में आसानी होगी इसको. देखो ना, सबसे छोटे बाल हमारी गाइडलाइन बाल काटने की. बाल काटने में 2 मिनट, बाल काटने में सिर्फ 2 मिनट. तपाईँहरूको लागि हामीले ब्याकबाट सर्टिफिकेट बाँड्दै आउँदैछौँ. आफ्नो आफ्नो सिटबाट नउठिदिनु है 10 मिनट. त्यस्तै गरेर आशा बेनीबाट पनि तपाईँहरूको लागि गिफ्ट ह्याम्पर छ, र अर्को लपिका बेनीबाट त छँदैछ. हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कम्पनीले पनि विशेष 1000+ लकी ड्र राख्नु भएको छ उहाँहरूले, त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई पछि 1000+ लकी ड्र राख्नु भएको छ, त्यो अहिले हामी एकछिनपछि गर्छौँ. सर्टिफिकेट दिइसकेपछि पनि आफ्नो सिटबाट नउठिदिनु होला, हामी ब्यागबाट सर्टिफिकेट र आस्था बेरीको गिफ्ट ह्याम्पर बाँड्दै आउँदैछौँ है. इसका हम लोग करेंगे, इसका गाय जल्दी से, इसका करने वाले गाय जल्दी से. आप देखना इसके बालों में एक स्टेप कितना अच्छा नजर आने वाला है. सेम सीजर हम लोग करेंगे, इसका गाय हम लोग करेंगे, इसका गाय इसके बालों में एक एक स्टेप नजर आएगा, इसके बालों में एक एक स्टेप नजर आएगा. जस्ट वॉच इट. हमारा चल रहा है और हमारे बालों में एक एक स्टेप नजर आ रहा है. जिसको मैंने नाम दिया है बालों का ट्रीटमेंट. रविंद्र बालों का ट्रीटमेंट क्या है? रविंद्र बालों का ट्रीटमेंट क्या है? हमारा सिर्फ ट्रीटमेंट क्या है? हमारा सिर्फ ट्रीटमेंट क्या है? प्लीज सुन लेते हैं. हमारा सिर्फ ट्रीटमेंट क्या है? एक तरह का बालों का हेयर स्पा है. सबसे पहले शैम्पू करेंगे हम सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए. टाइम ना होने के कारण निकाल नहीं पाएंगे. सबसे पहले शैम्पू करेंगे, प्री कंडीशनिंग करेंगे जो हमने स्ट्रेटनिंग में किया था. शैम्पू, प्री कंडीशनिंग, शैम्पू, उसके बाद में हम लगाएंगे स्पा क्रीम. स्पा पहले प्री कंडीशनर, फिर शैम्पू, उसके बाद में स्पा क्रीम. स्पा क्रीम लगाने के बाद में आप लोग उसको स्टीम देंगे. हम स्टीम नहीं देंगे, हम उसको प्रेस करेंगे. प्रेसिंग से उसको 5 मिनट छोड़ के फिर हम उसको रिंस करेंगे. केमिकल करते हैं, आपके बाल ड्राई हो जाते हैं. और हमारा आंसर उसके लिए क्या होता है? स्पा. स्पा काम नहीं करता उसके लिए. आप करो सिर्फ ट्रीटमेंट. कैसे करोगे सुन लीजिए प्लीज. सबसे पहले बालों को करेंगे गीला, उसके बाद प्री कंडीशनर,
उसके बाद शैंपू, उसके बाद आपने बनाया एक पेस्ट। ये पेस्ट सुन लो प्लीज, है इसमें 60% स्पा क्रीम, इसमें 20% हेयर सिरप, इसके अंदर 20% न्यूट्रलाइजर। हमने इसका पेस्ट बनाया, बालों पे अप्लाई किया जैसे हम लोग स्ट्रेटनिंग करते हैं, जैसे हम लोग स्ट्रेटनिंग करते हैं, मतलब मुंडी आगे प्रेस करो। उसके बाद अप्लाई करने के बाद में इसको देते हैं हीट, जिसको हमने नाम दिया है फ्लैश ड्राई, फ्लैश ड्राई। उसके बाद हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और बाद में इसको कर देंगे सिर्फ रिंस। इसको हम लोग कहते हैं सिम ट्रीटमेंट। फिर करेंगे शैम्पू, फिर बनाएंगे पेस्ट, 60% स्पार्कली, 20% न्यूट्रलाइजर, 20% हेयर सिरम। इस तरह स्ट्रेटनिंग करते हैं, हमने बालों पे लगाया, उसके बाद ड्राई लेते हैं, उसको हीट देंगे ऊपर से, उसको 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे एंड रिंस। इसके अंदर कोई स्टीमर नहीं है, इसके अंदर जो मेन चीज है वो बालों पे रब करना है, इसको हम लोग कहते हैं बालों का ट्रीटमेंट। तो अगर किसी के बाल टूट रहे हैं, हेयर फॉल ट्रीटमेंट, किसी के बाल रफ हैं, रफ हेयर ट्रीटमेंट, मतलब सेम नाम और मतलब डिफरेंट नेम पर सेम व्यक्ति। तो प्लीज स्टॉप डूइंग ऑल दिस स्पा, शुरू करो बालों के अंदर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर ज्यादा पैसा है, यानी स्पा। अगर आप लोग स्पा का चार्ज करते हो 100 रुपए या 500, एड करो 50% एक्स्ट्रा, तो ऊपर जाएगा 150 या 750। तो प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन सेल्फ ट्रीटमेंट। कैसा लगा आप लोगों को सेमिनार, मजा आया? आप लोगों के पास मेरी सारी इंफॉर्मेशन है, यू कैन बी इन टच विथ मी एनी टाइम। बट सबसे इंपॉर्टेंट, हेलो, दिस सेमिनार वॉज नॉट पॉसिबल without her. Come on, she needs a big clap here. Come on. And this seminar was not possible without Marina. I think they also need a big round of applause, please. Sare hi sare hain. So, mera ye ki yahan aana hua hai only because of two people, Marina and her. And of course, my team, Sanju and Narendra, come on here. They also need a big clap. Aur hum log shuru karte hain फोटो सेशन या सर्टिफिकेशन। चलिए ये नंबर है, लकी ड्रॉ प्लीज। ये है समीजा ब्यूटी एंड ट्रेनिंग सेंटर, समीजा श्रेष्ठा, समीजा श्रेष्ठा। सेकंड किसको चाहिए यार? हेलो भाई, जो मेरे हमारे तरफ वाला है कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी स्टोर के तरफ वाला मक्खन, ये है जैस्मिन ब्यूटी पार्लर, शर्मिला मणिकर, मणिकर शर्मिला मणिकर, वेलकम। श्रेष्ठा ब्यूटी पार्लर नंबर है 9861600307। नकू नकू श्रेष्ठा ब्यूटी पार्लर। नमूजे, वे नमूजे प्लीज। कौन है सबीना गुरु यार? हेलो सबीना, वो ताली बजाओ यार सबीना के लिए। हेलो, वो ताली मोरंग
प्लिज स्टेजमा आएर आफ्नो मायाको चिन्हदेखि अनुरोध गर्दछु।
Thank you.